नमस्कार, मैं हूं ओम वर्मा, फाउंडर सत्यमेव जयते यूएसए से। आज टीचर्स डे है, जैसा कि हमने बताया था कि आज हम लोग इकट्ठे होंगे, बातें करेंगे, एक छोटा सा कवि सम्मेलन करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस यू, मेरे साथ इस वक्त स्क्रीन पे कौन है, महाराजगंज से टीचर रीना सैनी जी। रीना जी नमस्कार। बुलंदशहर से टीचर सीमा विश्वकर्मा जी। मैडम नमस्कार। और कलीम खान साहब राजस्थान के एक स्कूल में टीचर है, कलीम जी नमस्कार। परमजीत सिंह जी हिमाचल प्रदेश के एक स्कूल में टीचर है और हिंदुस्तान के जाने माने कवि हैं, लेखक हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ हमारे साथ गोरखपुर से टीचर रेहाना शमीम जी हैं। मैडम नमस्कार, कैसी हैं आप। और न्यूयॉर्क से हमारे साथ रजत टंडन है। रजत जी नमस्कार, कैसे हैं आप। नमस्कार सर। और दिल्ली से रेनू सिंह हमारे साथ हैं और साथ साथ जलंधर से मनजिंदर कौर जी हैं। मनजिंदर जी नमस्कार, रेनू जी आप दोनों को नमस्कार। भाई आप सब टीचर्स को बहुत बहुत बधाई हो, आज आपका दिन है। आप लोग सभी बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, अगर टीचर ना हो तो शायद दुनिया में काफी चीजें बहुत बुरी तरह खराब हो जाएं। आप लोग बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, उनको डिसिप्लिन सिखाते हैं, मैनर सिखाते हैं, आगे कैसे जाना है शिक्षा के लिए, जो उनकी जो फाउंडेशन है बेसिकली आप लोग डालते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि आप सब सरकारी स्कूल के टीचर हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। सरकारी स्कूल का सिस्टम जो है, आज भी हमें भी याद है, हम लोग भी सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, हमें पता है कि आज से 45 साल पहले सिस्टम कैसा था, किन हालातों में हमें पढ़ना पड़ता था, कैसे टेंट होते थे, बारिश आती थी तो अपनी वो तख्ती सिर पे रख लेते थे ताकि गिले ना हो, और एक वो मिट्टी की लिक्विड चौक आती थी उसको पॉलिश करते थे, फिर काली इंक से का खा गा लिखते थे। बट एनीवे यू गाइस आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, सीमा जी आज आपको कैसा लग रहा है। सर सच में आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज सत्यमेव जयते की तरफ से जो हमें अवार्ड मिला है, इट इज अ रियली ग्रेट डे फॉर मी, क्योंकि इससे पहले मुझे अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला, एंड बेसिकली इज फर्स्ट अवार्ड फॉर मी। एंड और ये इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सत्यमेव जयते देता है अवार्ड, वो हमेशा बहुत जेन्युइन होता है, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, इसलिए मैं ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज तो ये हमें एक नई बात पता लगी है कि आज आपको पहला अवार्ड, वो भी शिक्षा रत्न का अवार्ड मिला है आपको। जी सर, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। बहुत ही दिल से धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा। आज जैसे कि आज संडे था तो आज पूरा दिन मेरे घर में मेरे बच्चे जो है मुझे विश करने के लिए आते रहे। अभी 7:30 बजे भी वो एक लास्ट बैच आया और वो गया। So basically, this day is very important for me. Always feeling so grateful today. That's very nice. Renu Chaudhary ji, Hapur se, wo humare saath judne ja rahi hain. Aur Rehana Shamim ji, aap bataiye, aaj aapko kaisa lag raha hai? I really wanted to know from you. Kaisa lag raha hai aapko? Par aaj ka din subah se hi, kyunki aaj 5th September hai, to aaj subah se hi hamara din tha. Aur हमने अवार्ड भी जीता, मेरे बच्चों के इतने फोन आए पूरे दिन, बच्चों को हम बातें करते रहे और अपना अवार्ड हमने अपने बच्चों को डेडिकेट किया। वाह, आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छी बात है। वो बच्चों की वजह से मुझे मिला और वो बच्चों के लिए था, इसलिए मैंने वो पूरा अवार्ड बच्चों के लिए। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। परमजीत जी आपको कैसा लग रहा है। अभी तो आपकी रिसेंटली परमजीत की नई किताब इश्यू हुई है, गीतांजलि। मैं चाहूंगा आप सभी इनको बधाई दें, ही इज डूइंग ए वंडरफुल। और सर आप मुझे बताइए आज आपको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शब्दों में अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर सकता, एक तो मैं शर्मिला पहले से ही बहुत ज्यादा हूँ, इसलिए ज्यादा व्यक्त नहीं कर पाता अपने भावों को। मेरे जो साथी हैं, आदरणीय साथी, मेरे प्यारे साथी सत्यमेव जयते, जो परिवार के साथी हैं जिनको आज पुरस्कार मिला है, मैं सभी को अपने हृदय से बधाई देता हूं। आप लोग इसी तरह से दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, आगे बढ़ते जाएं। और नमन करता हूं आदरणीय ओम सर के प्रयासों को, जो चुन चुन कर सितारों को यहां लाते हैं और उनके उनके प्रयासों को इस तरह से पुरस्कृत करते हैं। अपने आप में एक अनूठा प्रयास है।
मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको इस मंच के माध्यम से, आप सभी को अनंत बधाइयां। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। रेनू जी आप कुछ कहिए। हाँ जी सर, सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सर आज का दिन जो था वो मेरे लिए भी बहुत विशेष था, क्योंकि मुझे शिक्षा रत्न अवार्ड मिला और मैं बहुत खुश थी। और इसी खुशी में मैंने एक वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने आपको भी इंट्रोड्यूस किया है मेरे नए शिक्षक के रूप में, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जो वीडियो बनाने की कला है जो वो मैंने आपसे ही सीखी है। मेरा जो कैमरा सेट हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। तो और सर सुबह से मतलब इतने बच्चों के फोन, इतने बच्चे ने मैसेज किए कि मैं अभी तक सब बच्चों को रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, जो मेरे जो 10 साल पहले जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया जो आज किसी मुकाम पर पहुंच गए हैं, उन्होंने भी फोन करके मुझसे आज बात की, तो वो चीज बहुत अच्छी लगी। और ये लगा कि हमने इस प्रोफेशन में आके वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। मंजिंदर जी आज आपका दिन कैसा था? हाँ जी सर, बहुत ही वधिया फील हुंदा है हर साल टीचर्स डे ते। वैसे तो असि स्कूल विच हर साल टीचर हर रोज टीचर हुंदे आ, पर इस दिन नूं साडे जिहड़े विद्यार्थी आ साडे लई बहुत ही स्पैशल बनाउंदे आ। वो चाहुंदे आ कि साडे टीचर साडे प्रति होर भी ज्यादा खुश होण, साडे लई काफी खुश हो करन दी कोशिश करदे आ, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाउंदे आ, काफी कुछ करदे आ जिहदे नाल असीं बहुत हैप्पी हुंदे आ और सानूं प्राउड फील हुंदा है कि असीं इस किथे विच हां। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है जी, नो डाउट अबाउट इट, यू गाइस आर डूइंग ए वंडरफुल वर्क। कलीम साहब आपको कैसा लग रहा है? हमारे साथ रेहाना चिश्ती जी जुड़ गई हैं और माला सिंह जी हैं और साथ साथ कलीम जी, आई एम सॉरी बैक टू यू, आपको कैसा लग रहा है सर आप बताइए। रेहाना जी नमस्कार, माला जी नमस्कार, नमस्कार सर। आज मैं मेरी खुशी को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि इस अवार्ड ने हमारे अंदर सामाजिक सरोकारों को और अधिक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी और हम प्रेरित होकर के समाज को एक नवीन दिशा की ओर ले जाने में अपना जितना भी हो सकेगा योगदान उससे अधिक हम देने का प्रयास करें। वेरी नाइस, सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छी बात है। और माला जी मैं जानना चाहूंगा आज आपको कैसा लग रहा है? सर आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहली बात माला जी मैं आपको एक मिनट के लिए रोकता हूँ, आई जस्ट स्टॉप यू फॉर वन सेकेंड, लेट मी इंट्रोड्यूस यू रेनू चौधरी जी जो हापुड़ से है। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर, मैं रेनू चौधरी गाजियाबाद से। ओ आई एम सॉरी प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरे को पता नहीं लगता, आई एम सॉरी। ओके, कैसी है मैडम आप? बहुत अच्छी सर, और मैं तो आपकी देशभक्ति की कायल हूँ कि आप मीलों दूर बैठे अपने वतन से और अपने वतन के ही बारे में सोचते हैं, ना सिर्फ सोचते हैं बल्कि सबको आगे लाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और हमारे छोटे छोटे प्रयासों को आप इस तरह से इतने बड़े मंच से आप हमें अपने विचार साझा करने का, और जो अच्छा कार्य करते हैं उनको पुरस्कृत भी करते हैं, तो आपकी देशभक्ति तो वाकई काबिले तारीफ है और ये जज्बा हम सभी में होना चाहिए। थैंक यू सो मच जी, बहुत थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट आपके शब्द हैं। मैं आपकी पोस्ट देखता हूँ, आपके प्रोफाइल देखता हूँ, आप काफी एजुकेशन सिस्टम में काफी एक्टिव हैं और सोशली बड़ा इन्वॉल्व होती हैं, तो अच्छा लगता है आपकी पोस्ट पढ़ के मुझे। आई फील प्राउड कि हमारे देश में आज भी आप जैसे टीचर हैं जिनकी वजह से शिक्षा का जो स्टैंडर्ड है उसको प्रॉपरली मेंटेन किया गया है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ए वंडरफुल वर्क मैम, थैंक यू सो मच। माला जी बैक टू यू, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है आज आप? अच्छा लेट मी इंट्रोड्यूस यू, माला जी मेरठ के एक स्कूल में टीचर है, बहुत डेडिकेटेड है। अभी आप माला जी की बात सुनेंगे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि माला जी हमारी अमेजिंग पर्सनालिटी है। माला जी बैक टू यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका बड़प्पन है कि आप सबको इतना मान सम्मान देते हैं। देखिए आज का दिवस हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज है शिक्षक दिवस। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि हम एक इंसान होने के नाते यदि हम उसमें एक शिक्षक का पद ले लेते हैं तो हमारे जिंदगी में यानी कि हमारे जीवन में मानव के जीवन में चार चांद लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि जितनी भी पर्सनालिटी निकल के आती है, चाहे वो ग्रेट नेता है चाहे वो ग्रेट अधिकारी है, वो सब
टीचर से होकर के गुजरते हैं। तो वास्तव में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ और इस वाले कार्यक्रम से जुड़ करके जो कि हमारे आपका जो कार्यक्रम है, हम सबका कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से जुड़ करके तो मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत इंसानों को देखा है कि विदेश में रहते हैं वो केवल वहीं के नाम के रह जाते हैं, लेकिन जो हमारे आप हैं यूएसए के फाउंडर हैं, आप विदेश में रहकर भी हमेशा देशभक्ति की जो भावना आपके अंदर फूट फूट के भरी हुई है और आप इस पर हम सब इस परिवार से जुड़ करके हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। और आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज के दिन आपने मुझे सम्मानित भी किया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करती हूँ। जी रेणु जी, बहुत बहुत धन्यवाद माला मैम। और हमारे साथ महाराजगंज से हैं रीना सैनी मैम। मैम आप बताइए, आज के जो अनुभव हैं वो आप हमारे साथ साझा कीजिए। नमस्कार सभी को, पहले तो सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरा भी दिन ऐसा रहा कि मुझे लगता है जब से आंखें खुली हैं मैं सिर्फ इसी पल का ही इंतजार करती रही, ना मेरा आज फोन में मन लग रहा था ना टीवी में मन लग रहा था कि कब इवेंट शुरू और मैं सबके साथ शामिल हो जाऊं। ये बात रेणु मैम आपने बहुत सही कही कि उम्र में सर भी हमारे गुरु हैं, और ये मैं इसलिए मानती हूँ कि एक गुरु हमें बचपन में मिले हैं जिन्होंने हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाया, लेकिन इस उम्र में आके हमें ओम वर्मा सर उस गुरु की तरह मिले कि जीवन को हमें आगे चल के कैसे जीना चाहिए वो शिक्षा हमें हर रोज देते हैं। मुझे लगता है मेरे जीवन के सबसे बड़े गुरु शायद वही हैं कि जो हमें हर पल हर दिन हमें शिक्षा ही देते हैं। तो ओम वर्मा सर जी आपको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया मैम। और इसी के साथ हमारे साथ राजस्थान से रेहाना सृष्टि मैम है। मैम आपके विचारों को जानना चाहेंगे, आज के इस विशेष दिन पर आप कैसा महसूस कर रही हैं? नमस्कार सभी को, और आप सभी को मेरी ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन मेरे लिए भी सभी शिक्षकों के तरह बहुत स्पेशल है और स्पेशल रहा। सबसे पहले तो मैं आपको अपना जो हैंडमेड आज मैंने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए बनाया वो दिखाना चाहूंगी सभी को। और ये कहना चाहूंगी कि टीचर्स सिर्फ वही नहीं होते जो स्कूल में होते हैं, हमारे लिए वो सभी टीचर्स हैं जिनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा है। तो इसी कड़ी में जो हमारे सत्यमेव जयते यूएसए के फाउंडर हैं श्रीमान ओम वर्मा सर, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़े गुरु के समान है। वो हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं, अगर हमारी गलती तो हमें डांट भी पिलाते हैं अच्छे से। तो आज के दिन मैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। इस मंच के माध्यम से मैं सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और एक दोहा बोलना चाहूंगी शिक्षक दिवस के उपलक्ष में। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। एक बार फिर आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेहाना मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ गुरु को जो है वो ईश्वर से बड़ा रूप दिया गया है, गुरु ही हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और इसी क्रम में मैं रेहाना शमी मैम से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें। सबसे पहले तो आप ओम सर को, और मैं तो कल ही उनसे मिली हूँ और कल ही मैंने बात की है, मुझे बहुत अच्छा लगा और इस ग्रुप से जुड़ने में मुझे आप सबसे मिलकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई, शिक्षक दिवस की बहुत बधाई सबको। और आज का दिन हमारा अपना दिन है, मेरे बच्चे जिनको हमने पढ़ाया है वो हमें विश करते हैं, हमें प्यार करते हैं, और हमने जो हमारे टीचर हैं, मेरे टीचर बहुत ओल्ड हो चुके हैं लेकिन मैंने भी उन्हें ढूंढ करके रखा हुआ है और हमेशा शिक्षक दिवस के दिन मैं उनसे जरूर बात करती हूँ, उनसे आशीर्वाद लेती हूँ ताकि मैं आगे कुछ और अच्छा कर सकूं, कुछ सीख सकूं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमें विश करते हैं और हम अपने शिक्षकों को,
आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने सुबह से अपने प्राइमरी स्कूल से लेकर के अभी तक के जो भी शिक्षक थे सबसे मैंने बात की फोन करके, और वो बहुत इमोशनल डे था आज के लिए मेरे, क्योंकि मैं कई बार रोई हूँ। और इसी क्रम में मैं रजत सर से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें। नमस्कार जी, मैं राज टंडन यहाँ न्यूयॉर्क से। मैं सत्यमेव जयते से ज्यादा देर से नहीं जुड़ा हूँ, बट ओम वर्मा की गाइडेंस से I'm helping the community out। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। एंड शिक्षक दिवस पर मैं दिल्ली कैंट में दिल्ली से पढ़ा हूँ, तो मुझे बहुत बहुत लगाव है टीचर से और जिन्होंने मुझे अभी तक गाइडेंस करी है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल हम सभी के लिए ये बहुत भावुक पल होता है, क्योंकि इस दिन हमें अपने वो सारे टीचर्स याद आते हैं जिन्होंने हमें डायरेक्टली कुछ ना कुछ पढ़ाया है या फिर जिनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा है। वो सभी हमारे जीवन में गुरु का रूप होते हैं, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो वैसे तो हर दिन गुरुओं का सम्मान का दिन होता है, लेकिन ये जो स्पेशल दिन है ये एक विशेष रखा गया है ताकि हर बच्चे को एहसास हो कि उसके टीचर्स ने उनके लिए क्या क्या किया है। और बहुत खुशी होती है जब आपके पुराने बच्चे आपको याद करते हैं। कई बच्चों ने तो आज मुझे ऐसे मैसेज किया कि जिनको मैंने जब बहुत छोटे थे तब पढ़ाया था, तो मैंने उनसे उनकी अभी की फोटो मांगी, क्योंकि मेरे दिमाग में उन बच्चों का फेस नहीं आ रहा था। तो मैंने उनसे बोला बेटा अपनी फोटो सेंड करो, तो बस उस फोटो को देखते ही मेरे मन में उनकी बचपन वाली फोटो एकदम सामने आ गई। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे इतने दूर जाने के बाद भी वो अपने टीचर्स को याद रखते हैं, तो ये हम टीचर्स के लिए बहुत गर्व की बात होती है। और राजरानी मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, और आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आज के अपने अनुभव को हमारे साथ साझा कीजिए। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच आप सबको। आज जो जितने मेरे शिक्षक साथी जुड़े हैं और जितने भी लोग जुड़े हैं, मेरा थोड़ा आज गला प्रॉब्लम कर रहा है। आपको सभी को शिक्षक दिवस की बहुत ही बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैम आप बोलेंगी ना तो आपका गला ठीक हो जाएगा। आप सभी एक कहते हैं ना आइडियल शिक्षक हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कहा भी जाता है शिक्षकों के लिए कि किताबें ही कुछ नहीं होती, अगर शिक्षक उसको पढ़ाकर आपको बताना देते तो किताबें भी बेकार थी। तो आप तो एक कहते हैं समाज की धुरी हैं, आप ही समाज को लेके चल रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं थोड़ा लेट हो गई आज के कार्यक्रम में, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। रेनू मैम कैन यू कंटिन्यू प्लीज। आई कैन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आपको एक बार फिर से पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ मैं अरविंद पांडे सर से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करें। अरविंद सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। सबसे पहले आप सभी को यथोचित अभिवादन और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप सभी को। जैसा कि आज शिक्षक दिवस है, सभी लोग मना रहे हैं हम लोग, लेकिन जो हमारे जीवन में जो भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, शिक्षक हो या ना हो, सभी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं। जो भी हमारे जीवन में छोटी बड़ी बातें सिखाते हैं वो सभी हमारे गुरु की श्रेणी में आते हैं। अतः आज शिक्षक का ही नहीं, कम से कम जो हमें सिखाते हैं हमारी जिंदगी में, जो भी छोटे से लेकर बड़े तक, वो सभी हमारे शिक्षक हैं और उन सभी का सम्मान होना चाहिए। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात में विराम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि अभी सर थोड़ा सा बिजी हैं, तब तक मैं guys I'm back I'm sorry I'm back okay मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहले जी I'm so sorry actually I was doing some work, मैं दूसरे कंप्यूटर पे काम कर रहा था, कुछ मैसेज दिल्ली जा रहे थे और वो हमारे जो सिंगर साहब है मैं उनकी वेट कर रहा था, वो सोए हुए थे, उनको उठाया अभी मैंने फोन करके। ऑल राइट, मैं चाहूंगा कि गाजियाबाद से रेनू चौधरी जी आज हमारे लिए आप हमारी विशेष मेहमान हैं। मैं चाहूंगा कि आज हमें आप अपनी पोइट्री सुनाएं, शुरुआत हम लोग आपसे करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ये तो मेरे लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज का जो काव्य पाठ हम शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर जो ये काव्य पाठ कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत आपने मुझसे की,
तो मेरे लिए ये बहुत हर्ष गर्व और सम्मान की बात है। थैंक यू जी। जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है, कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। जैसे कि मैं भी शिक्षक वर्ग से हूँ, बेसिक शिक्षा से हूँ, और एक एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का भी एक अतिरिक्त प्रभार मेरे पर है। तो हमारा शिक्षकों का तो मैं मानती हूँ कि ये परम कर्तव्य है कि जो युवा पीढ़ी हमारी अगर किसी सही दिशा में नहीं जा रही है, पथ भ्रष्ट भी हो रही है, तो हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि उसको सही राह दिखाएं, क्योंकि किसी भी देश की जो तरक्की है वो युवा वर्ग पर ही निर्भर करती Very nice. है Very nice. जी बिल्कुल। और आजकल के बच्चे जो फिल्मी गीतों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और अपने शहीदों के बलिदानों को भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण हम आज इस एक आजाद मुल्क में सांस ले पा रहे हैं। हमें हर तरह की आजादी है और ये आजादी हमें जिसने दिलाई है, ये बच्चे उसी को भूलते जा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल उसी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी सभी का। देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, भटकन भावना की भ्रांति के लिए, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, आने वाली किसी नई क्रांति के लिए, आने वाली किसी नई क्रांति के लिए, पैदा हर सांस में लगन कर ले, शीतल कलेजे की अगन कर ले, माँ के लिए जीवन हवन कर ले, जन्नत से बढ़ के वतन कर ले, जय हिंद जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद जय हिंद वंदे मातरम, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान गवा दी, और हमें बदले में दे दी ये पावन आजादी, और हमें बदले में दे दी ये पावन आजादी। और ये आजादी लाया कौन, इसकी तरफ जरूर ध्यान आकर्षित होना चाहिए। मंगल का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है, मंगल का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है, जर्रा जर्रा इंकलाब विद्यमान है, शेखर सुभाष अशफाक की कसम, शेखर सुभाष अशफाक की कसम, हर देश भक्त में भरा गुमान है, हर देश भक्त में भरा गुमान है, जिंदा है सवर कर अंडमान में, कीर्ति की पताका फहरे जहान में, उनके ही बलिदानों का है परिणाम, उनके ही बलिदानों का है परिणाम, खुशियां ही खुशियां है हिंदुस्तान में, खुशियां ही खुशियां है हिंदुस्तान में, मन मेरे खुद को मगन कर ले, अमर शहीदों को नमन कर ले, जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, लाख बवंडर उठे भले हो, लाख बवंडर उठे भले हो, विपदाओं की आंधी संग खड़े मिल जाएंगे तुमको शेखर बिस्मिल गांधी, संग खड़े मिल जाएंगे तुमको शेखर बिस्मिल गांधी। और ये जो अगला बंद है ये संपूर्ण साहित्यिक समाज को समर्पित किया जाता है, सुनिए। कैसे भूले दृष्टिकोण वरदाई का, कैसे भूले दृष्टिकोण वरदाई का, भूषण का काव्य राष्ट्र की मिताई का, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, स्वर है सुभद्रा जी की कविताई का, स्वर है सुभद्रा जी की कविताई का। और ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक आग्रह है, मेरा निवेदन है
और यही उनके लिए इसकी एक लक्ष्य है। पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना, सुधियों को मन में सजाए रखना, पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना, सुधियों को मन में सजाए रखना, कवियों की कविताएं याद करके, कवियों की कविताएं याद करके, अपने तिरंगे को उठाए रखना, अपने तिरंगे को उठाए रखना, हरा भरा यहाँ उपवन कर ले, ईर्ष्या जलन को दफन कर ले, जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, राष्ट्रभक्ति की गाथाओं ने सोई आस जगा दी, राष्ट्रभक्ति की गाथाओं ने सोई आस जगा दी, किसी तौर से हो ना पाए अब इसकी बर्बादी, किसी तौर से हो ना पाए अब इसकी बर्बादी, अब इसकी बर्बादी, अब इसकी बर्बादी। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, बहुत सुंदर, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मजा आ गया था, लगा कैसा है। रेणु जी, मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा, ये आपने लिखा? जी सर, ये मैंने नहीं लिखा, ये कविता कविता तिवारी जी की लिखी हुई है और मेरी ये पसंदीदा कविता है, इसलिए मैंने शुरुआत यहीं से। पीछे टोन दिया, ये आपने दिया है? नहीं सर, मैंने बहुत कुछ उनका कॉपी करने की कोशिश की है। और ये कविता जी कौन है, कविता जी कौन है? ये बहुत अच्छी एक कवित्री है, बहुत इंडिया में कहाँ रहती है वो? सर अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपने जैसे गाया है, मैं आपको एक म्यूजिशियन दूंगा जो आप गाएंगी आप ही, मेरे लिए तो आप ही हैं, हमने तो आपके मुंह से सुना है, अब आप उनसे बात करना, मैं चाहता हूँ, इसको आपने बहुत अच्छे अंदाज में गाया है, और मैं ये चाहूंगा कि जो मेरे दोस्त जस मकड़ है वो बॉलीवुड मूवी में म्यूजिक देते हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी कविता ये आप गाएं, अब उनसे कॉपीराइट की क्या बात करनी है, क्या पेपर साइन करवाने हैं, ये आपको पता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आई विल प्रेफर यू कि आप इसको एक नेशनल लेवल पे एक ऐसा गाना बना सकते हैं कि जो बच्चों को मोटिवेट करेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आजकल के बच्चे सब कुछ बोलते जा रहे हैं, और आपने इसी में सभी का जिक्र कर दिया, फैंटास्टिक, ट्रस्ट मी आई मीन इट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद सर, ये सबको पसंद आई और मेरे लिए तो ये बहुत सम्मान की बात है। थैंक यू सो 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 मच रेनु। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से कविता का वाचन किया और जितनी सुंदर कविता थी उससे भी अच्छा आपने उसको रिप्रेजेंट किया, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपके चेहरे पर कविता के भाव भी दिख रहे थे कि आप जैसे 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 कविता में उतार चढ़ाव आ रहा था, जो शब्द आ रहे थे आपके चेहरे पर वो भाव भी दिख रहे थे। yes. और कविता में, कविता पाठ में ये बहुत मायने रखता है कि आप भाव के साथ कविता अगर गाती हैं तो वास्तव में वही कविता कहलाती है, कविता को गाकर ही बोलते हैं। बहुत तो अच्छा। मैं तो बस आपके चेहरे को देख रही थी पूरे टाइम, कविता की लाइन तो सुन रही थी और मेरा ध्यान पूरा आपके फेस पे था कि आप कितने अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बहुत हेक्टिक था, हमारे यहाँ भी एक शिक्षक दिवस का समारोह था, मैं शाम 5:30-6 घर आई, लेकिन बहुत उत्साह था मुझे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का, जो कि मेरे लिए पहली बार मुझे एक ऐसा मंच मिला, और इसके लिए मैं सत्यमेव जयते के फाउंडर ओम वर्मा सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अभिनंदन करना चाहूंगी। मुझे आज ये समझ आ गई है कि मैं इनको काफी दिनों से देख रहा था, रेणु जी को इनकी इनके ब्लॉग में प्रोफाइल में चेक करता था, ये तो मुझे लगता था कि इनमें कुछ ऐसी यूनिक आर्ट है कि जो यू नो द वे शी डिड टुडे, जिस तरीके से आज इनका प्रेजेंटेशन रहा है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आप सभी इस चीज को मानेंगे कि जो रेणु ने कहा है कि जब वो लाइन कह रहे थे ना वो बिल्कुल इनके अंदर फीलिंग आ रही थी वैसी, और हम चाहेंगे कि हम आने वाली यंग जनरेशन के लिए एक ऐसा गाना निकालें
और जो बच्चों में मैं कहता हूँ सुपर डुपर हिट हो, हमारे पास म्यूजिशियन है और हमारे साथ अभी एक सिंगर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, एक मिनट में आ रहे हैं, वो आपको लाइव म्यूजिक सुनाएंगे जो आप किशोर कुमार का गाना सुनना चाहेंगे। इज अ वेरी गुड सिंगर, वो किसी टाइम भी आने वाले हैं वो। और रेनु जी आपका नाम तो मैंने पेपर पे लिख लिया है। धन्यवाद सर, आई विल बी सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ योर टीम। नो, बहुत अच्छा लगेगा जैसे इस चीज को आप बोले और पीछे तिरंगा झंडा लहरा रहा हो, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। और मैं अब चाहूंगा, लेट मी इंट्रोड्यूस यू परमजीत जी, जो जिनको हम लोग प्यार से कोहिनूर कहते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। रिसेंटली अभी उनकी बुक आई है गीतांजलि। परमजीत, मैं चाहूंगा कि आप कुछ हमें आज शिक्षक दिवस के ऊपर कुछ सुनाए प्लीज। शिक्षक दिवस के ऊपर मैं सभी साथियों को नमन करता हूं, बधाई देता हूं और आपको खास तौर पर आपको समर्पित एक दोहा प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि आप भी हमारे गुरु हैं, जैसा कि सभी साथी ऐसा मानते हैं और मैं भी ऐसा मानता हूं, मेरा भी ऐसा ही मानना है। सर, मैं उम्र में आप सबसे बड़ा हूं, आई एम 60 नाउ, उम्र में बड़ा हूं मैं आपसे, लेकिन गुरु आप ही लोग हैं, यू गाइज आर द बेस्ट, यू गाइज आर द एक्चुअल टीचर। मैं एक दोहा प्रस्तुत करता हूं। सर कह रहे हम लोग गुरु हैं, आप हमारे गुरु हैं। सुनिएगा। चल जी सर। आप हमारे गुरु। All right. जी सर। दोहा सुनिएगा। गुरु मेरा आधार है, गुरु मेरा अभिमान, गुरु मेरा आधार है, गुरु मेरा अभिमान, चरणों में शियोम के रोज लगाऊं ध्यान कहलूरी, रोज लगाऊं ध्यान। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्योंकि माँ भी एक गुरु है, माँ सबसे बड़ा गुरु है हमारा, सब सर्वप्रथम हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, तो माँ के लिए भी एक दोहा माँ को समर्पित है, सुनाता हूँ। माँ बिना ना कोई बड़ा, मात सृष्टि की शान, माँ बिना ना कोई बड़ा, मात सृष्टि की शान, नदियां जू सींचे धरा, ऐसा रखती ध्यान कहलूरी, ऐसा रखती ध्यान। चलिए एक मुक्तक सुनाता हूं, चलते चलते सुनाता हूं। हौसलों से अंधेरे गुजर जाएंगे, हौसलों से अंधेरे गुजर जाएंगे, मुश्किलों में भी गीत प्रेम के गाएंगे, मुश्किलों में भी गीत प्रेम के गाएंगे, तुम रहोगे जो मेरे ही आगोश में, तुम रहोगे जो मेरे ही आगोश में, आशा के सितारे चमक जाएंगे, आशा के सितारे चमक जाएंगे। आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मौका दीजिएगा, फैंटास्टिक, फिर से मौका दीजिएगा, कुछ और भी सुनाना चाहता हूँ जी। फिर से मौका दीजिएगा और I got you. All right, man, I got you. माला जी, प्लीज से समथिंग, आपको तो नमन है हमेशा हमारा, हम लोग माला जी को प्यार से माला दी यानी माला दीदी कहते हैं, शी इज द बेस्ट। जी, सबसे पहले मैं सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और जैसा कि आप सभी इस बात को कह रहे हैं और मैं भी कहती हूँ कि जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है वही हमारा गुरु होता है, तो जहां जहां से मैंने ज्ञान प्राप्त कर किया है तो मैं अपनी स्वरचित लाइन से उनको नमन करती हूँ। सो बार नमन हम करते अपने सारे गुरुओं को, सो बार हम नमन है करते अपने सारे गुरुओं को, सो बार
शीश झुकाते अपने सारे गुरुओं को, गुरु हमें शिक्षा दे करके हम सबका ही ज्ञान बढ़ाते, आशीर्वाद अपना दे करके जीवन अपना सफल बनाते, दो सौ बार हम नमन करते अपने सारे गुरुओं को, सो सो बार शीश झुकाते अपने सारे गुरुओं को। गुरु का दर्जा कबीरदास जी ने सबसे ऊंचा ही बताया, गुरु का दर्जा कबीरदास जी ने सबसे ऊंचा ही बताया, क्योंकि गुरुओं ने ही तो प्रभु जी का ज्ञान कराया, सो सो बार नमन हम करते अपने सारे गुरुओं को, सो सो बार शीश झुकाते अपने सारे गुरुओं को। जी हाँ, आज के दिन मैं सबसे पहले उन्हीं गुरुओं को नमन करती हूँ जिन्होंने मैंने जिनसे कुछ भी सीखा है। तो आगे मैं अपनी दूसरी कविता रखूंगी, लेकिन बाद में जब मुझे मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब माला मैम, बहुत सुंदर रचना आपकी। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम, शानदार शानदार, बहुत सुंदर माला मैम। माला मैम को जब भी सुनते हैं एक माला मैम भी जोश कर देती है सबके दिलों में। आज तो थोड़ा सा मैडम थोड़ी स्लो थी, लेकिन कभी सुनेंगे तो लगता है जैसे मैम का जो पेस है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है और बिल्कुल आवाज एकदम तेज हो जाती है, खास करके मैम जब वो देशभक्ति वाली कविता सुनाती हैं तो। जी जी बिल्कुल, वो बिल्कुल सबके साथ। और आज हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं तो सबके मंच सबके लिए उपस्थित है, शिक्षक सारे हैं। और सही बात है कि हम भी शिक्षक हैं, और सही क्या है गलत क्या है ये सबक पढ़ाते हैं आप, झूठ क्या है सच क्या है ये बात समझाते हैं आप, जब सूझता नहीं कोई भी रास्ता तो राहों को सरल बनाते हैं आप। क्या बात, शिक्षक वही है जो सबके लिए राह बनाता है, अपने लिए भी राह ढूंढता है और दूसरों को भी राह दिखाता है कि वो सही रास्ते पे चल सके। अब आज और इस मन से आज हमारे जो शिक्षक सम्मानित हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही हर्ष और गर्व की बात है कि वो आज यहाँ पर सम्मानित भी होंगे। और ओम वर्मा सर के लिए को बहुत बहुत धन्यवाद है कि सर आपने ऐसे शिक्षकों को चुना जो सचमुच हीरे हैं, और मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मैं ऐसे शिक्षकों के साथ जुड़ी हूँ और उनको सुन पा रही हूँ। थैंक यू मैम। इसी क्रम में अरुणा जी नमस्कार, मैं आपका परिचय अरुणा जी से करवाना चाहता हूँ। आप सभी को आदरणीय को मेरा नमस्कार, और मैं अरुणा राजपूत जनपद हापुड़ से सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ बेसिक शिक्षा विभाग में। और एक कोशिश है कि अपने बच्चों को उस मुकाम तक ले जाऊं जहां तक हर शिक्षक का सपना होता है कि वो अपने बच्चों के नाम से पहचाना जाए। तो मेरा एक ही सपना है कि मैं अपने बच्चे जब मेरे को बोले कि मैंने उन मैम से पढ़ाया वो मेरी उपलब्धि होगी। और मैं इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि मैं एक अविवाहिता हूँ और मैंने एक बच्ची अडॉप्ट की है, और मैं महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बहुत काम कर रही हूँ। Very nice. Pardon, sir. नमस्कार सभी आदरणीयों को मेरा, और मैं अपनी कविता गुरु को अर्पित करते हुए ही कहना चाहूंगी, तो शुरू करती हूँ आप सभी की अनुमति के साथ। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना कहीं मान नहीं, जो नहीं करता गुरु सम्मान उसका जग में इस स्थान नहीं, जो पाता गुरु चरणों में स्थान, जो पाता गुरु चरणों में स्थान, पूर्ण मनोयोग से करता ध्यान, पूर्ण मन योग से करता ध्यान, चरण रज को छू कर उनकी, चरण रज को छू कर उनकी, बन जाता फिर वो महान, बन जाता फिर वो महान। बच्चों को कुछ कहना चाहूंगी,
जो सभी आज की जनरेशन है, गुरुओं का सम्मान करो ना उनका अपमान करो, गुरुओं का सम्मान करो ना उनका अपमान करो, गुरु का वंदन कर तुम अपने बालिका श्रृंगार करो, गुरु का वंदन कर तुम अपने बालिका श्रृंगार करो, भगवान भी करते गुरु का मान, भगवान भी करते गुरु का मान, कबीर भी कहते गुरु को महान, कबीर भी कहते गुरु को महान, हम इस चमन के फूल हैं बच्चों, तो शिक्षक होते हैं बागवान, तो शिक्षक होते हैं बागवान, शिक्षक होते बड़े महान, जो देते हैं हमको ज्ञान, शिक्षक होते बड़े महान, जो देते हैं हमको ज्ञान, शिक्षक का करने से सम्मान बढ़ जाती है अपनी शान, शिक्षक का करने से सम्मान बढ़ जाती है अपनी शान, शिक्षक ज्ञान का लौकिक भंडार, शिक्षक ज्ञान का लौकिक भंडार, शिक्षक की महिमा अपरंपार, भले बुरे का ज्ञान बत कराते जीवन का बतलाते सार, जीवन का बतलाते सार, माताएं नव जीवन है देती, माताएं नव जीवन है देती, पिता हमारी है रक्षा करते, पिता हमारी है रक्षा करती, लेकिन ज्ञान की ज्योति तो जीवन में शिक्षक ही भरते, लेकिन ज्ञान की ज्योति तो जीवन में शिक्षक ही भरते, दुख में कैसे खुश रहते हैं, दुख में कैसे खुश रहते हैं, शिक्षक हमें बताते हैं हर चुनौती से लड़ना, शिक्षक हमको सिखलाते हैं हर चुनौती से लड़ना, शिक्षक हमको सिखलाते हैं, अक्षर ज्ञान से शुरू कर जीवन का पाठ पढ़ाते हैं, अक्षर ज्ञान से शुरू कर जीवन का पाठ पढ़ाते हैं, अरुणा करे गुरु का वंदन शिक्षक दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपकी अरुणा जी आपकी आवाज बड़ी जबरदस्त है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आपके बच्चे, आपके बच्चे क्लास में आपकी आवाज सुन के डर तो नहीं जाते? नहीं सर, आवाज से नहीं, लेकिन अनुशासन के लिए वो जानते हैं कि मुझे अनुशासन बहुत प्रिय है, और वो शैतानी पढ़ाई में करते हैं, मुझे बहुत मजा आता है उनके लिए, और मैं सिखाते वक्त उनके साथ अच्छी बन जाती हूँ, लेकिन अगर वो गलती करते हैं तो उन्हें पता है कि मैम से डांट पड़ेगी और उनकी एक आवाज पे हम सिकुड़ जाएंगे। वो मैंने भी आपके प्रोफाइल पे देख लिया है कि गलती करने पे बच्चों को अच्छी खासी सजा मिलती है। धन्यवाद सर, और स्पेशली ओम वर्मा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया, और मैं आपसे बहुत प्रभावित भी हूँ, कहीं ना कहीं आप कार्य कर रहे हैं वो मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं, और इसके लिए मैं आपका भी वंदन करती हूँ, कहीं ना कहीं आप भी बहुत भूमिका निभा रहे हैं शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जी मैं टीचर्स के लिए और पुलिस के लिए, क्योंकि मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर रहा हूँ न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में, और पुलिस और टीचर्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिटी के लिए पुलिस और टीचर बहुत मददगार हैं, आप दोनों के बिना गुजारा नहीं है, ना टीचर्स के बिना और ना ही पुलिस के बिना। सर ऐसे ही डॉक्टर भी हैं, उनके बिना भी मुझे कोरोना काल में लगा कि कहीं गुजारा नहीं है, और एक शिक्षक के लिए उसके बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर उसके बच्चे उसके आसपास हैं तो वही बहुत बड़ी पूंजी होते हैं,
और ये मेरी बेटी है सर। और हेलो बेटा, नमस्कार बेटा। और राजपूत है और ये मुझे जीवन जीने की प्रेरणा देती है, इसकी वजह से मैं बहुत सारे कार्य कर पाती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बस इसको आशीर्वाद दिए रहिएगा। अरुणा जी, मैं आपसे दो लाइनों में एक सवाल पूछूंगा, जवाब मांगूंगा दो लाइनों में। जी जी बताएं। Only two lines. I'm going to see it how smart you are. Two lines mean two lines. जी जी। ये जो टीचर्स आजकल सोशल मीडिया पे डॉक्टरेट की डिग्री लेके अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखना शुरू करते हैं, इनको आप दो लाइनों में क्या कहना चाहेंगे? सर, उपाधि दिलाती है एक सम्मान, उपाधि दिलाती है एक सम्मान, उससे कहीं ना कहीं बढ़ता है उनका ज्ञान। और जब वो बच्चों के पास जाते हैं तो वो अगर उस ज्ञान को बिखेरते हैं तो बच्चों का भी बढ़ जाता है। आपके थैंक यू सो मच। हमारे साथ अटलांटा जॉर्जिया से हमारे दोस्त नवाज राय जुड़ गए हैं। नवाज जी, कैसे हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास हूं सर, आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। दैट्स वेरी फाइन, नो इश्यू एट ऑल, आई एम ग्लैड यू केम, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा कि नवाजी इस टाइम स्क्रीन पे हमारे हिंदुस्तान के स्कूल के टीचर्स हैं और अभी पुलिस टीम भी आने की तैयारी कर रही है। और मैं चाहूंगा कि शुरुआत करने के लिए नवाज साहब, क्यों ना आपके एक गाने से शुरुआत की जाए। यू आर बैक, सो लेट्स स्टार्ट इट। व्हाई नॉट सर, व्हाई नॉट, प्लीज। इनको बता दें टीचर्स को कि मैं भी अपना मेरा भी आई फॉरगॉट मैं बताता हूँ। हाँ, नवाज साहब जो कुवैत में टीचर थे, ये वहां पे इस्लामिया स्कूल में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते थे और ये टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े रहे हैं। अभी अटलांटा मेडिकल फील्ड में है, अटलांटा जॉर्जिया में। इनकी वाइफ भी मेडिकल फील्ड में है। और मुझे तो कहना भूल गया कि नवाज तो खुद एक टीचर रहे हैं। नवाज साहब, सो टुडे इज योर डे मैन। यस सर, सर बहुत अच्छा लगा, सर ने आज दोबारा से मौका दिया है कि आप आज हमारे सामने और हम आपको फिर से सुन पाएंगे। जी 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 जी, बहुत आपकी बहुत मेहरबानी। आपके सामने एक फेक सिंगर बैठा हुआ है, एक जेनुअन आ गया है। मैं तो फेक सिंगर जी जी, आई एम जस्ट नथिंग, आई जस्ट डू इट फॉर द फन। लेकिन हमारे पास जेनुअन सिंगर भी आ गए हैं। यस सर, नवाज साहब जी। सर लेट्स स्टार्ट। नवाज साहब, आपका पहला गाना मैं फेसबुक पे लाइव करने जा रहा हूँ, कैन आई डू इट? व्हाई नॉट सर। ओके, व्हाई नॉट, ऑल द बेस्ट, आई एम गोइंग टू डू इट लाइव। ओके, ऑलराइट सर। इट्स गोना टेक अ सेकंड सर। ऑलराइट, आई विल जस्ट वेट फॉर यू, वंस यू विल से आई विल क्लिक इट। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, हे मुसाफिर हूँ यारो, घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई, और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा के परों पर मेरा आशियां
ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ ताम कर इधर बुला लिया, रात ने इशारे से उधर बिठा लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। मैं जी आपसे ये कहना चाहूंगा, आपको कुछ लोगों को पता होगा, नवाज अमेरिका में मेरा सबसे पुराना दोस्त है। हाँ जी, हम जब हिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई थी उस वक्त से दोस्त हैं हम। क्या बात है। और नवाज हिस्टोरियन, नवाज साहब दूसरा गाना हो जाए प्लीज, गो अहेड। जी सर, जी सर। I know you guys are looking live now. Abhi aapke samne Facebook pe live chal raha hai. If you want to join us, please join us. Go ahead, sir. Yes, sir. Ready? Yes. All right. Come on. Nawaz sahab, jab tak shuru karte. Okay, got it? Okay. Ji sir, just come. Logon ne shayad aaj sir ko pehli baar suna hoga. हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि हमारे दोबारा। I'm sorry. All right. I know it's called Liberty Insurance. ये हमारे अमेरिका की कार इंश्योरेंस कंपनी है लिबर्टी। ओके। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, Thank you.
कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई तू कौन है तेरा नाम है क्या सीता भी यहाँ बदनाम हुई किन क्यों संसार की बातों पे भीग गए तेरे नैना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना कुछ तो लोग कहेंगे हमको जो ताने देते क्या बात है हम खोए हैं इन रंग रलियों में हमको हमको जो ताने देते हैं हम खोए हैं इन रंग रलियों में हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में ये सच है झूठी बात नहीं तुम बोलो ये सच है ना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना कुछ तो लोग कहेंगे आउटस्टैंडिंग देखिए आप भी ध्यान रखिए आज टीचर्स डे है लोगों का काम है कहना लोग कहते रहेंगे कीप डूइंग योर ग्रेट वर्क और मैं चाहूंगा गोरखपुर से शमीम जी आप अगर प्लीज कुछ सुनाइए शिक्षक दिवस है और शिक्षक हम तभी हैं जब हमारे पास बच्चे हैं तभी हम शिक्षक होंगे तो आज हमने अपना अवार्ड भी बच्चों को ही समर्पित किया है और आज लाइनें जो मैंने लिखी हैं लाइनें भी बच्चों के लिए ही समर्पित हैं आप में से किसी का मैं चाहूंगा कि अगर आप सभी अपने आप को म्यूट कर सकते हैं दैट वुड बी ग्रेट सो वी कैन लिसन हर समथिंग इज नॉट वेल हियर इफ यू गाइस कैन हैंडल इट प्लीज यस जी रेहाना जी प्लीज जी सर जय शिक्षा की जय विद्या की जय जय हिंदुस्तान वाह जय शिक्षा की जय विद्या की जय जय हिंदुस्तान देश के बच्चों के हाथों से होगा देश महान देश के बच्चों के हाथों से होगा देश महान शिक्षा से इंसान बनेंगे विद्या से भगवान जय शिक्षा की जय विद्या की जय जय हिंदुस्तान क्या बात है देश के खेवन हार ये बच्चे देश के खेवन हार ये बच्चे देश के ये बलवान देश के खेवन हार ये बच्चे देश के ये बलवान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं एक समान जय शिक्षा की जय विद्या की जय जय हिंदुस्तान आओ सब बच्चों के मन में ये हमारे टीचर्स के लिए मैं कह रही हूँ आओ सब बच्चों के मन में ज्ञान के दीप जलाएं आओ सब बच्चों के मन में ज्ञान के दीप जलाएं आओ करें हम सब मिलजुल कर देश में विद्या दान जय शिक्षा की जय विद्या की जय जय हिंदुस्तान सरस्वती से दान में लेकर सरस्वती से दान में लेकर ज्ञान के दीप जलाएं
सरस्वती से दान में लेकर ज्ञान के दीप जलाए, चांद और तारे बनकर चमके, भारत की ये संतान, जय शिक्षा की, जय विद्या की, जय जय हिंदुस्तान। क्या बात है। बच्चों के हाथों से सारी जग में शिक्षा पहले, बच्चों के हाथों से सारी जग में शिक्षा पहले, इनके चरणों में झुक जाए धरती और आसमान, जय शिक्षा की, जय विद्या की, जय जय हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, दिल्ली पुलिस से डीसीपी जितेंद्र मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप कुमार सैनी जी, मणि जी नमस्कार, आपका स्वागत है। बनी जी बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, आई एम श्योर हमारे ब्लॉक के सभी सदस्य उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, एंड आई एम ग्लैड मणि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनको प्यार से मणि जी कहते हैं, एंड हिज फुल नेम इज डीसीपी जितेंद्र मणि त्रिपाठी फ्रॉम दिल्ली पुलिस। और मणि जी, मैं चाहूंगा कि आप आज हमारे टीचर्स को, हमारे ब्लॉग मेंबर्स को कुछ सुनाइए प्लीज। गुड इवनिंग वर्मा जी। नमस्कार मणि जी, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैंने अभी अभी देखा आपका जी, आई वाज नॉट वेरी मच रेडी, बट बहुत अच्छा दिन है, आज शिक्षक दिवस है, और मैंने अपने वॉल पे आज लिखा भी है, मदर इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, टीचर ऑफ द वर्ल्ड, माँ से न बड़ा कोई टीचर है और न माँ से पहला कोई टीचर है। क्या बात है, तो माँ ही सब कुछ है, इसके लिए काफी कविताएं मैंने इस पर लिखी हैं, और मैं तो अभी मतलब I was not very much prepared. मुझे 5 मिनट टाइम दे। Sure. मैं छोटा सा सुनाऊंगा आपको। That's very fine. I will read the poem and recite to you. जी। Thank you. देखा तो मैंने, मैं ऑन हो गया, मैंने कहा वर्मा जी कम से कम उन्होंने भेजा है तो I have to link. Thank you so much for that. बहुत अच्छी बात है। In 5 minutes I will come to the recite my poem. Sure. But मैं ये कहना चाहूंगा कि अगली पीढ़ी अगर माँ बाप और गुरु इन तीनों के प्रति सम्मान रखती है तो उस पीढ़ी का आदमी खराब नहीं हो सकता। जो व्यक्ति इन तीनों की इज्जत करता है वो कम से कम एक अच्छा नागरिक बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। क्या बात है। आज के दिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इन इन संस्थाओं के प्रति आस्था जगाना हमारा आपका कर्तव्य है। वेरी नाइस। और ये गुरु जो होता है, जैसे कहते ना कि मैंने एक जगह लिखा था कि गुरु एक पारस पत्थर की तरह होता है जो स्पर्श करके आपको लोहा लोहे से सोना बना देता है। गुरु की महिमा अपरंपार है, और गुरु ही एक ऐसा जीव है धरती पे जो अपने चेले को अपने से आगे जाता देख के खुश होता है। Yes. वरना धरती पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किसी को आगे बढ़ता देख के खुश होते हैं। Very true. तो द्रोणाचार्य का उदाहरण लेते हैं, वो अर्जुन को आगे बढ़ा के उन्होंने अपने बेटे से बड़ा स्थान अर्जुन को दिया। अब देखिए बेटे को उन्होंने कई चीजें नहीं सिखाई जो अपने क्योंकि एक अच्छा शिष्य था, डिस्पाइट दैट कि उनका बेटा खुद भी था उनके साथ, लेकिन वो विद्या उन्होंने उनको नहीं दी। तो एक अच्छा शिष्य बन के अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो गुरु बहुत कुछ सिखा सकता है, और हमेशा जो एक कहानी है ना कि गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया, ये कहावत नहीं सही है, क्योंकि गुरु अपना सब कुछ चेले को दे देता है और वहां से चेला स्टार्ट करता है, तो निसंदेह चेला उसे आगे जाएगा अगर श्रद्धा से वो लगा हुआ। तो वो बात ऐसी नहीं गुरु गुड़ रह गया, गुरु ने अपना सब कुछ दे दिया, अपने जीवन का जो निचोड़ था वो अपने शिष्य को दे देता है और शिष्य वहां से शुरू करता है, तो निसंदेह शिष्य का हाइट उससे बड़ा होगा, उससे आगे जाएगा अगर वास्तव में उसने आस्था से चीजों को सीखा। तो तमाम गुरुओं को प्रणाम है, तमाम गुरुओं को श्रद्धा पूर्वक नमन, और जो सबसे गुरु माँ है ये कहना चाहूंगा। रेहाना चिश्ती जी राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हैं। रेहाना जी, हम चाहेंगे कि आप कुछ प्लीज कहिए, से समथिंग। नमस्कार सभी को एक बार फिर, और आज जो शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं एक कविता सुनाना चाहूंगी, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी।
शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, सारा जहां शिक्षक के पीछे चलता है। शिक्षक का बोया पेड़ बनता है, हजारों बीज वही पेड़ जनता है। काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है। शिक्षक की महिमा महान होती है, शिक्षक बिना अधूरी वसुंधरा होती है। याद रखो चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, क्रूर मगध राजा को मिट्टी में मिला डाला था, बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया था, एक शिक्षक ने अपना लोहा मनवाया। संदीपनी से गुरु सदियों से होते आए हैं, कृष्ण जैसे नन्हे नन्हे बीज बोते आए। शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है, शिक्षक की निंदा करने से दुर्योधन बदनाम है। शिक्षक की ही दया दृष्टि से बालक राम बन जाते हैं, शिक्षक की अनदेखी से वो रावण भी कहलाते हैं। हम सबने भी शिक्षक बनने का सुअवसर पाया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हमने गले लगाया है। आओ हम संकल्प करें कि अपना फर्ज निभाएंगे, अपने प्यारे भारत को हम जगत गुरु बनाएंगे, अपने प्यारे भारत को हम जगत गुरु बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रेहाना जी, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। नवाज साहब, इफ यू आर रेडी वी आर रेडी। मैंने आपका माइक म्यूट किया हुआ है, आप उसे खोल लें प्लीज। अनम्यूट कर लीजिए सर। नवाज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जो भी एडमिन है सर, आप यहां पर अनम्यूट कर दीजिए, एडमिन कर सकते हैं। सर 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 का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, हो गया जी? थैंक यू, हो गया। यस वैसे ऐसा पहली दफा देखने को मिला है कि जहां इतनी महिलाएं मौजूद हो वहां शांति हो। जब एक टीचर सारे यहाँ बैठे हैं, अध्यापक बैठे हैं और उनके ऊपर उनके बड़े गुरु बैठे हो तो थोड़ा सा डर लगता है। बात तो ठीक है, वैसे क्लासरूम में बैठे हैं जी। हाँ गुरु प्यार मंगा है तुम्ही से, नैनकार करो। प्यार मंगा है तुम्ही से, नैनकार करो। पास बैठो जराज तो इकरार करो। प्यार मंगा है तुम्ही से, नैनकार करो। कितनी हंसी है रा दुल्हन बनी है रात, कितनी हंसी है रात दुल्हन बनी है रात। बचले हुए जज्बा बात जरा होने दो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मंगा है तुम्ही से, नैनकार करो। ये
पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा, पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा, इतना हसीना पाया, रात हसी होने दो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, प्यार मांगा है तुम्ही से, इनकार करो, कितना मधुर सफर है तू मेरा हम सफर है, कितना मधुर सफर है तू मेरा हम सफर है, बीते हुए वो दिन जरा याद करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, प्यार मांगा है तुम्ही से, इनकार करो, पास बैठो जरा आज तो इकरार करो, प्यार मांगा है तुम्ही से, इनकार करो, ला 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 ला, आउटस्टैंडिंग सर। एक तो आपकी आवाज और आपके गानों का जो कलेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब इतने फेवरेट सॉन्ग आप गाते हैं तो बहुत ही मतलब छू जाते हैं दिल को। चौहान कराओके, कराओके जगत में आपका मनी जी आपका स्वागत है, प्लीज बहुत अच्छा लगा आपको देख के, और मैं चाहूंगा कि अब आप हमारे टीचर्स को कुछ पॉजिटिव मैसेज दीजिए, ये आपसे अब रूबरू हो रहे हैं, सो दे विल बी वेरी हैप्पी। मैं तो बार बार कहता हूं कि अध्यापक, मैंने जैसे कहा कि गुरु की महिमा अपरंपार है, और जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था गुरु बनना सबसे कठिन है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जैसे यूपी में जो या इंडिया में जो सेटिंग है टीचर्स बनने की हाई लेवल पे, उसमें 55% से आप एमए का डिग्री लीजिए, जैसे आपकी पीजी की है, देन यूजीसी नेट निकालिए, इसके बाद 4 फर्स्ट रहिए तो कहीं आपका इंटरव्यू कॉल होगा, इसके बाद आप कहीं पे गुरु बनेंगे जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं डिग्री कॉलेज हैं, तो आप 3 फर्स्ट भी 3 थर्ड भी रह करके आईएएस हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक जगह भी सेकंड डिवीजन हो गए आप, तो आपके ऊपर अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में भर्ती होने की संभावना बड़ी घट जाती है। तो यू हैव टू बी ऑलराउंड फॉर बींग अ टीचर। मैं खुद भी मैंने यूजीसी नेट निकाला था और पोलिटिकल साइंस से मैंने एमए किया है, तो मैं कहना चाहूंगा कि एक बड़ा ही पावन और बड़ा पवित्र यह व्यवसाय है। व्यवसाय क्या कहिए, ये तो पूजा है अपने आप में, इस जो गुरु का काम होता है। माँ पे मैंने कुछ एक रचना लिखी थी, मैं सुनाना चाहूंगा। मैं माँ से बड़ा गुरु किसी को नहीं मानता, और माँ जो सिखा देती है बच्चे को उतना कोई पूरे जीवन नहीं सिखाता जो माँ बचपन में बच्चों को सिखा देती, और वो बड़ा कठिन दौर होता है, किसी बच्चे को पढ़ाना सबसे कठिन होता है। जब आप बच्चे की बात ना समझ पाते हो, जब बच्चा रोता है तो माँ पता नहीं कैसे पकड़ती है क्यों रो रहा है, उसके पेट में दर्द है, उसके आंख में दर्द है, उसको भूख लगी है, उसने कोई मतलब कहते हैं कि वो गीला किया है, क्यों रो रहा है, ये एक जांच का विषय होता है, और माँ जैसा वैज्ञानिक ही पता कर सकता है कि वो क्या बात है, गले में दूध रुका हुआ है, घूंट उसकी फंसी हुई है, मतलब 1000 चीजें होती हैं, उन सबको ट्राई करती है।
और बच्चे को शांत करती है। दैट इज आउटस्टैंडिंग, मतलब इसके लिए माँ के लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है। बिल्कुल सर, और बता रहे ना, जो बच्चा बोल ना सकता हो, कह ना सकता हो, उसकी जरूरत को समझना और मौके पर उसको वो चीज देना, इस बात का कोई दुनिया में कोई दूसरा प्रमाण नहीं। True. मैं दो लाइनें सुनाऊंगा माँ के लिए ही जो लिखा है मैंने, कि माँ तू तो बस माँ है, बच्चे का सारा जहां है, ये जमीन है आसमान है, बच्चों की निगहबान है, माँ तू कितनी पवित्र है, पावन है मन भावन है, बच्चों की खातिर ही तू बरखा है सावन है, तू ही बच्चों की वो मोहक मुस्कान है, उसकी आंख मिचोली है, माँ तू कितनी सच्ची है, कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, तू बच्चे की तुतलाहट है, तू बच्चे की पहली बोली है, तू जीवन के सारे रंग है, पिचकारी है होली है, तू बच्चे की सखा है, दोस्त है, इस जीवन की दाता है, तू जननी है, धात्री है, भाग्य विधाता है, तू ममता है, बच्चे का अभिमान है, सभी गुणों की खान है, तू गीता है, तू कुरान है, तू यीशु है, तू पुराण है, जीवन की हर धड़कन है, श्वास है, प्राण है, रामायण है, बाइबिल है, वेद है, पुराण है, माँ तू साक्षात जीवन है, माँ तू साक्षात जीवन है, जीवन का आधार है, तू बच्चे की हर आस है, माँ तू प्यार है, दुलार है, माँ तू देवी है, आराध्य है, जीवन तेरे बिना बिल्कुल असाध्य है, माँ तुझे मैं क्या कहूँ, माँ तुझे मैं क्या कह के परिभाषित करूँ, माँ तू तो बस माँ है, बस माँ। तो इसीलिए कहते हैं सर कि ऊपर वाला कोई भी हो, माँ से बढ़के नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि मैं भगवान पूजा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, घंटे बजाता हूँ, कोई फायदा नहीं है। आज की पीढ़ी के लोग माँ को धक्का देते रहे अच्छा से ले जाकर। ब्रह्मा ने पैदा किया, विष्णु ने पैदा किया, ये कहानियां बहुत सुनती सुना है, लेकिन जो सही पैदा करके पाल रहा है उसको आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। विष्णु की पूजा करके क्या मिले सर, विष्णु है अगर आप तो उन्हें सम्मान, उन्हें उस पूजा का फल मिलना भी नहीं चाहिए। जी, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें, कि हमारी ये जो हमारी जो करंट सोसाइटी में जो डिटेरियोरेशन, जो जो डाउनफॉल आ रहा है ना यूथ में, उसकी मेन रीजन ही यही है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने वालदैन को साइड लाइन पे कर दिया है। हाँ जी, और बिल्कुल सही कह रहा है, वो खुद ही अपने सारे डिसीजन लेने की शुरू कर दी उन्होंने। इस वजह से हमारे माशरे में जो बिगाड़ आ रहा है ना, उसकी बेसिक आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि जिन लोगों ने हमें पैदा किया है उनसे बेहतर हमें कौन समझ सकता है, और उनको हम नहीं मानते हैं, उनको हम नहीं मानते तो आगे कैसे चलेंगे। हाँ जी, और जितना बिगाड़ पैदा, जी जी, जितना बिगाड़, कोई धर्म बेकार है, हर धर्म बेकार है, और मैं कहता हूँ कोई माँ की इज्जत करे, किसी धर्म में कहीं पूजा न करे, कोई जरूरत नहीं सर। वो तो वो जो अपने माँ बाप की जो 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 अपने माँ बाप की इज्जत या उसकी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो बेसिकली वो किसी धर्म को तो फॉलो नहीं कर रहा है ना, आउट ऑफ, वो तो बिल्कुल ही हो गया ना, साइड हो गया बिल्कुल देखा जाए, क्योंकि वो जो उसका जो बेसिक ही खराब हो गया ना। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही की है, अगर हमारी ये जो जनरेशन है इस चीज को समझ ले कि अगर अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करेंगे तो उनको जब when they will grow old they will realize कि उन्होंने क्या किया और उनके साथ क्या होने वाला है। तो कहते हैं ना, मैं बड़े स्कूलों में जाता हूँ, मैं जाके एक ही चीज बोलता हूँ गुरुओं से कि आप कहें कि माँ बाप की इज्जत करो, और माँ बाप से कहता हूँ कि आप कहो गुरु की इज्जत करें। दो चीजें अगर बनी रहे, बच्चा बिगड़ नहीं सकता, या तो वो स्कूल में रहेगा या घर में रहेगा, बिगाड़ मिलके बच्चे को बहुत अच्छा भविष्य दे सकती है, और इन दो संस्थाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, या तो गुरु या माँ बाप। बिल्कुल सही बात है। 18 साल तक बच्चा इन्हीं के अंडर में होता है 99%, और अगर ये अच्छे से साथ दे दें और अच्छे से बच्चे का ध्यान रख लें तो बच्चा कम से कम एक अच्छा नागरिक तो बनेगा। बिल्कुल, कह रहे हैं कोई अवसर बने ना बने, लेकिन इंसान तो बने, इंसान बने, एक इंसान नहीं बन रहा,
इंसान आजकल सब कुछ बन रहे हैं लेकिन इंसान नहीं बन रहे, दैट्स ट्रू ट्रू। मनीष जी मैं आपसे यहाँ ऐड करना चाहूंगा, न्यूयॉर्क में मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो मैरिड हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो जब सुबह घर से काम पे जाते हैं तो अपने माँ बाप को किसी पार्क में बिठा जाते हैं या किसी मॉल में छोड़ देते हैं जहाँ पे एसी चल रहा है, बाथरूम बना हुआ है, पीने के लिए पानी है। तो मैंने ऐसे काफी बाप ऐसे पेरेंट्स के इंटरव्यू किए कि आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे बोलते हैं बिजली का और एसी का बिल जो है वो नहीं आएगा, तो जब हम शाम को 6 बजे आएंगे तो आपको पार्क से या मॉल से पिकअप कर लेंगे। ऐसे ऐसी औलाद भी यहाँ देखने में मिलती है, और पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसी ऐसी कंप्लेनें भी देखने में आई हैं कि जिसमें बच्चे माँ बाप का शोषण करते हैं, उनकी इंडिया की प्रॉपर्टी जब बेच के खा जाते हैं, सारे पैसे यहाँ ले आते हैं, घर बार ले लेते हैं और फिर अपने माँ बाप को यहाँ किसी नर्सिंग होम में डाल लेते हैं। आजकल की आप बिल्कुल कह रहे हैं, यहाँ एक बच्चा जो है अपने माँ बाप का घर बिकवा के एयरपोर्ट ले गया, वीजा पासपोर्ट लगा के कहा माँ मैं अभी आ रहा हूँ जी जी, और उसके बाद वो चला गया बाहर निकल गया, वो वहीं बैठी रह गई। अनी जी वो कहते हैं बड़ी शर्म आ रही है कि वो हमारे इलाके का केस है, वो लड़का हमारे शहर का रहने वाला है। माय गॉड, मतलब इतना शर्म आती है बच्चों पे कि क्या कहा जाए। आप सिंघानिया को देखिए, सिंघानिया ने पंजाब से एक बंदे ने, मनी जी सही कह रहे हैं, माँ की प्रॉपर्टी बेच के एयरपोर्ट तक ले आया, उसकी माँ का ना वीजा लगा था ना टिकट थी, अपनी माँ को एयरपोर्ट पे छोड़ के सारा पैसा लेके खुद न्यूयॉर्क आ गया और उसने अपना यहाँ घर ले लिया। हमें मौका मिला, हम जितना जलील कर सकते थे अमरीकी कानून के अनुसार किया, लेकिन जो बेशरम टाइप के लोग होते हैं उनको शर्म कहाँ आती है। तो ऐसे जनरेशन के बड़े मामले मिलेंगे। आजकल बच्चे माँ बाप से ज्यादा गूगल को अपना माँ बाप मानते हैं, माँ बाप को बस मैं यही कहना चाहूंगा कि गुरुओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चे में अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा पैदा करें, और माँ बाप की जिम्मेदारी है कि गुरु के प्रति श्रद्धा पैदा करें। ये दोनों संस्थाएं एक दूसरे के प्रति अगर इज्जत बढ़ाएंगी तो बच्चा कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति इज्जत करेगा, और ये उसके जीवन में बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। बच्चा इंसान तो बनेगा और आगे अच्छा नागरिक बनेगा, देश के लिए अच्छा काम करेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, गुरु तमाम इस आपके उसमें है, तमाम लोग पढ़ाते हैं, बड़ा ही नोबल काम है ये, बहुत अच्छा काम है, और जितनी जिम्मेदारी से किया जाए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। गुरु होना आसान नहीं, इसको ईश्वर से बड़ी मतलब अगर दिया गया है, ईश्वर से बड़ा रूप दिया गया है तो कुछ बात होगी। बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताए, तो गोविंद को बताने वाला भी गुरु है, तो इसको ईश्वर से बड़ा माना गया, तो कितनी जिम्मेदारी है। कहना था कि पद पद के साथ जिम्मेदारी बहुत जुड़ी होती है। एक सिपाही की जिम्मेदारी है अपनी ड्यूटी खड़ा होगा चला जाएगा, लेकिन कमिश्नर की जिम्मेदारी पूरी दिल्ली की, कहीं कुछ गड़बड़ होगा कमिश्नर साहब को पकड़ा जाएगा। तो पद रहना आसान नहीं, पद के साथ बहुत जिम्मेदारियां आती है। तो जो भगवान से बाद इसको बना दिया गया, उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी। तो गुरुओं को भी सोचना पड़ेगा कि अगर हमें ये रुतबा दिया गया है तो क्यों ना हम उस स्तर से काम करें कि हमारा शिष्य उस तरह का बने, हमसे जुड़े, कुछ देंगे, कुछ सही सिखाएंगे, तो बच्चा जुड़ेगा। बच्चा होता है वेरी ट्रू, बच्चा बड़ा निर्मल होता है, अगर आप प्यार देंगे, उसको सिखाने की कोशिश करेंगे, पक्का आपकी इज्जत करेगा। तो थोड़ा सा सुधार की जरूरत दोनों तरफ से है, कमी जिसके अंदर भी वो सुधरे। और कहते ना कि सबसे बड़ी कहते उन्होंने कहा था फिराक गोरखपुरी ने कि इंसानी का सबसे बड़ा मैसेज ये है, इंसान का इंसान होते जाना, इंसान का इंसान होते जाना। हम उसी राह में हैं, चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आदम से आदम का जो कथन, आदम से आदमी का जो की यात्रा है, अभी हम बीच में हैं, तो हम उधर बढ़ते रहें और बढ़ेंगे तभी जब सुधार का अपने अंदर वो रखेंगे, अपने अंदर एक फीलिंग रखेंगे। जो भी आप हैं, जितने भी अच्छे हैं, कोशिश करिए एक्सेल करिए। वाह, एक्सेल करने का ये आपका पर्पज होना चाहिए, काम काम चाहे जो करिए, पैशन से करिए, एक्सेल होके करिए। तो वही गुरुओं से भी रिक्वेस्ट है जो इस ग्रुप में हैं, जो सुन पा रहे हैं, कि बड़ी जिम्मेदारी काम है। केवल गुरु बन जाना है, गुरु एक तरह डिग्री ले ली या कहीं टीचर हो गए, इट इज नॉट गुरु। यस, यू हैव टू लीड, यू हैव टू टीच, देन यू आर गुरु। डेडिकेशन इज नॉट गुड इनफ। माँ बाप हो गए, बच्चा उधर खेल रहा, गिर रहा है, कुछ कर रहा, हमसे मतलब नहीं, नॉट लाइक दैट। माँ का मतलब होता है माँ, अथॉरिटी है, कितना करती है बच्चे के लिए, यू कांट राइट, कितना करती है कि बोले गिन ही नहीं सकते आप, तब वो माँ माँ बनती है।
माँ केवल पैदा कर देने से माँ नहीं बनती। वेरी ट्रू। आजकल ऐसे टीचर भी देखने को मिलते हैं कि सोशल मीडिया में वो सर्टिफिकेट्स लेने में इतने बिजी हो चुके हैं कि उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ से उठ गया। वही कह रहा हूँ। I have seen so many teachers, मनी जी वो तो डॉक्टर लिखने लग गए हैं अपने नाम के साथ कि हम डॉक्टर बन गए हैं, हमें फेसबुक में किसी ने बोल दिया कि आप डॉक्टरेट के बराबर हैं। सो दे आर यूजिंग नेम। गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसा मनी जी कह रहे हैं आप बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, यूट्यूब न्यूज़पेपर। मैंने ऐसे भी टीचर्स देखे हैं अभी उनको सर्टिफिकेट मिला 5 मिनट में अखबार छप जाती है। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड एंड टेक इट वेरी सीरियसली कि आप इसको अच्छे तरीके से लीजिए और आई थिंक इट शुड बी लाइक दैट। डॉक्टर की डिग्री लेना बुरा नहीं है लेकिन उसको गलत तरीके से उपयोग करना। अरुणा जी आपको पता ही नहीं है मैं कौन सी डिग्री की बात कर रहा हूँ, आपको नहीं पता। You don't know what I'm talking about. डॉक्टर PhD मतलब PhD करके डॉक्टरेट की डिग्री लेनी बिल्कुल सही है। ये जो सोशल मीडिया पे फेक डिग्रियां मिल रही हैं, उनको लेके डॉक्टर रखने हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। PhD आप हार्डवर्क करते हैं, यू डिजर्व दैट, ऑफ कोर्स यू डू, व्हाई नॉट डू। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर वो कंपनी कहे आप डॉक्टर हैं, सो दैट्स अ शेम एक्चुअली। नहीं, दैट इज नॉट डॉक्टर बेसिकली, दैट इज मोकरी ऑफ डॉक्टर। ऐसे डॉक्टर बनाते हैं, ये ठीक नहीं है। तो टीचर्स का पेशा बड़ा जबरदस्त है जी, मनी जी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा बताया आप लोगों को, बहुत जिम्मेदारी काम है। और बता ना, ओहदा पाना आसान होता है, जैसे कहते ना ऊंचाई पे जाना कठिन नहीं है, वहां रुकना कठिन। अगेंस्ट ग्रेविटी यू आर गोइंग ऑन द हाइट एंड यू आर स्टेइंग देयर, दैट इज टफ। एक बॉल को आपने उछाला, बॉल गई अगले सेकंड नीचे आ जाएगी, क्या वो रुक सकती है? नहीं, उसको रुकने के लिए स्पेस वेलोसिटी का मोमेंटम चाहिए। अगर आपको आकाश में रुकना है लंबे समय तक, तो यू हैव टू गेट द स्पेस वेलोसिटी। यस, वो कैसे मिलेगी? तब जाके आप वायुमंडल के बाहर जाएंगे एंड यू कैन रोम द एटमॉस्फेयर। इट्स नॉट इजी। तो कहीं ऊंचाई को छूना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां कायम रहना इंपॉर्टेंट। यस, और कायम कैसे रहेगा आदमी जब उसके कर्म ऐसे होंगे, इतनी उसके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, और ले लेने से कुछ नहीं होता। किसी को राजा बना दिया, 4 दिन में राजा को वहां वो कहते ना विद्रोह हो जाएगा, राजा को हटा दिया जाएगा। इट इज नॉट कि आप राजा बन गए, राजा बन के चला कैसे रहेंगे? बहुत जिम्मेदारी का काम है, इट्स वेरी टफ। एंड जितने छोटे बच्चों को जो पढ़ा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उससे बड़ा गुरु कोई नहीं। बिल्कुल, जिस बच्चे को कुछ पता नहीं है उसको ABCD सिखाना, दैट इज द टफेस्ट वर्क, टफ देन PhD। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस बच्चे को कुछ पता नहीं है उसे ये चीजें लिखना सिखाना, बोलना सिखाना, पढ़ना सिखाना, इट्स टफेस्ट वर्क। ओ यस। सो आई रियली प्रेज द जितने छोटे स्कूल के अध्यापक हैं, पढ़ाने वाले हैं, दे आर रियली डूइंग अ वेरी टफ जॉब। एक समझदार आदमी को बताना कुछ भी आसान है, बता दो समझ लेगा, सुन लेगा। Yes. जिसको कुछ पता ही नहीं है यार, उसको इट इज नॉट इजी टू हैंडल द 25-30-40 चिल्ड्रन। मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि छोटे बच्चों को पढ़ाना जो है इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं जब टीचिंग प्रोफेशन में था तो देर वॉज अ टाइम आई यूज टू टीच लाइक अ हायर सेकेंडरी लेवल, यू नो, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसको हैंडल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू नो, वेरी डिफिकल्ट, दैट्स सही कह रहे हैं। मनी जी ये जो बोल रहे हैं ये मेरे दोस्त हैं, नवाज राय अटलांटा जॉर्जिया में है, और ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। तो ये जॉर्जिया में अटलांटा में सेटल्ड हैं, और ये पहले दुबई में, कुवैत में भी टीचर थे इंग्लिश के, वहां पे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते थे। सो ही हैज ए गुड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग टू। यस, ऑलराइट, प्लीज एंजॉय द प्रोग्राम, बिकॉज़ टुमारो आई हैव अ प्रेजेंटेशन विद वर्दी CP, जो नए CP साहब आए हैं। ओके, तो मुझे 10:30 पे बुलाया गया है, वो मेरा यूनिट का प्रेजेंटेशन है। क्या बात मतलब फर्स्ट टाइम आई एम फेसिंग CP ऑफिशियली। ओह ओके,
Oh, that's very nice. कल 12 बजे तक मेरा खत्म हो जाएगा. तो चलिए ईश्वर करे सब अच्छा रहे. इसके साथ जो है नहीं मनीष जी, गुड लक टू यू. आई एम श्योर यू आर डूइंग ए वंडरफुल वर्क एज ए डीसीपी मेट्रो. आई हैव सीन योर वर्क, आई हैव सीन योर स्टाफ, आई रिमेंबर योर हेड कांस्टेबल सीमा एंड फ्यू अदर पीपल्स. यू हैव ए ग्रेट टीम एंड यू आर डेफिनेटली दिल्ली पुलिस को बहुत अच्छा आप इंस्पायर कर रहे हैं. एंड देर इज नो डाउट अबाउट इट. आई एम वेरी श्योर की दिल्ली की जो पब्लिक है इस वक्त मेट्रो से काफी हद तक सेटिस्फाइड है एंड दे कैन अंडरस्टैंड क्राइम कंट्रोल हो रहा है. आई हैव सीन बीच में रिसेंटली आपने कई सो फोन पकड़े हैं एंड यू नो देर इज नो डाउट. सो यू गाइज आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब एंड आई एम श्योर अस्थाना जी विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू पर्सनली. इट्स गोइंग टू बी ग्रेट, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट. ओके ऑल राइट. सो कलीम जी राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. कलीम जी मैं चाहूंगा कि आप कुछ हमें सुनाइए. कलीम जी बूंदी राजस्थान में टीचर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं. कलीम जी प्लीज. नमस्कार सर. नमस्कार. कुछ शब्द मैंने इसमें उर्दू के इस्तेमाल किए हैं. आलिमों ने अपने इल्म का खजाना लुटाया था कभी, तब जाकर इस जहां में ये इज्जत मिली है. तभी आलिमों ने अपने इल्म का खजाना लुटाया था कभी, तब जाकर इस जहां में ये इज्जत मिली है. तभी सच्ची राह क्या है, सच्ची राह क्या है, वो राह बताई थी तभी. उस राह पर चलकर ही मंजिल पाई है अभी. हालात में दुश्वारियां भी आएंगी कभी, उन दुश्वारियों से किस तरह निजात पाएंगे ये बताया था तभी. कितने आलिमों ने अपने इल्म की रोशनी से चमकाया था तभी. कितने आलिमों ने अपने इल्म की रोशनी से चमकाया था कभी, तब उस रोशनी से फिरकों को जगमगा रहे हैं अभी. आलिम ही हमारे सच्चे मददगार बने तभी इस जहां में एक नया मुकाम बना पाए अभी. आलिमों के इल्म का शुक्रिया अदा करो अभी. आलिमों के इल्म का शुक्रिया अदा करो अभी. पता नहीं ये सांस रुक जाए अभी. धन्यवाद. क्या बात है, बहुत सुंदर. सही बात है सर, आप लिखते तो अच्छा है ही और उसको आपने सुनाया भी अच्छा, बहुत सुंदर. लेकिन आप जो ये कुछ उर्दू के जो लफ्ज इसमें इस्तेमाल करते हैं कभी कभी हमें समझ में नहीं आते. बहुत गहराई से सोचना पड़ता है हमें कि सर ने किस शब्द को कहाँ इस्तेमाल किया. बहुत सुंदर सर. और अभी हमारे साथ सर जुड़े ही थे जितेंद्र सर, उन सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि शिक्षक बनना आसान है लेकिन उसके बाद उसके जो कर्तव्य हैं उनको निभाना बहुत मुश्किल है. कि आजकल जो हमारे संस्कार दूर होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे जो पिछड़ते जा रहे हैं संस्कारों में, उसका कहीं कहीं 1% उत्तरदायित्व हमारा भी है कि हम बच्चे को किताबी ज्ञान ना दे के वो ज्ञान भी उसको दें जो उसको संस्कारों के साथ जोड़े रखे, उसको वो सब सिखाए जो उसको आगे जीवन में एक सच्ची शिक्षा प्रदान करे और आगे की तरफ लेके जाए. इसीलिए कहते हैं कि एक वक्त सबसे बड़ी चीज है. जैसे कहते हैं ना लाइफ, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, तो इसलिए हम कहते भी हैं अपनी लाइफ को कि हैप्पी टीचर्स डे. तो हमारी जिंदगी को है जो हमें रोज ना कुछ सिखाती है, एक दूसरे से हम रोज सीखते भी हैं. वक्त और टीचर में थोड़ा सा ही फर्क होता है, या आपने सुना होगा वक्त और टीचर में थोड़ा सा ही फर्क होता है. टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तहान लेकर सिखाता है. क्या बात है. तो लाइफ हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, हम सबसे सीखते रहते हैं. और इसी क्रम में अब मैं आगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं. मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मुझे इस बात की बहुत खुशी, आज आप बहुत अच्छी बात है कर रहे हैं. मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, डेड हो गया अचानक. ओके तो मैंने तार से लगा के इस तरह जोड़ा हुआ है,
जी मैं अभी जो मनीष सर ने बात की कि जो बच्चे की पहली गुरु होती है वो उसकी माँ होती है, क्योंकि वो वही उसे पहले जो 4-5 साल होते हैं वही माँ उसे सिखाती है, उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है। तो माँ के ऊपर मुझे कुछ पंक्तियां याद आई थी जो मेरा फेवरेट गीत है, तो मैं चाहूंगी कि आगे आप मुझे मौका दें तो मैं उसे सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल सुनाए, बिल्कुल सुन लेते हैं आपकी आवाज। जी सर सुनाइए मैम, आवाज आ रही है आपकी, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। अच्छा ठीक है मैं सुना दूं। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे ममता के साए में फूलू फलू, थाम कर तेरी उंगली में बढ़ती चलूं, आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में अजमत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्म। रेहाना जी का कनेक्शन थोड़ा सा खराब था, आई कैन सी दैट, सो गाइस शी विल बी बैक, वो वापस आएंगी डेफिनेटली। और ठीक है वर्मा जी, मैं अब आप जाने चाहूंगा हार्मनी जी, मनी जी आई अंडरस्टैंड आपको सुबह जाना है, और मनी जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा हमारी सत्य में जाते यूएसए फैमिली को आपसे मिलके, थैंक यू सो मच, आई अंडरस्टैंड यू हैव टू स्लीप एंड गो, और आपसे फिर कल मुलाकात होगी। अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग मनी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वर्मा जी, थैंक यू मनी जी, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू सर, गुड नाइट। और रेनू जी हमारे साथ, रजत जी भी जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी कि वो भी अपने बारे में दो शब्द बोले। रजत सर आप सुनाई दे रहे। हाँ जी नमस्कार सभी शिक्षकों को, अच्छा लगा सुनकर। यहाँ मेरे गुरु शोरली ओम वर्मा जी हैं, जिनसे मैं गाइडेंस के रूप में बहुत बातचीत करता हूँ, और हम मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कहाँ जाना है, क्या कर सकते हैं आगे। तो मैं दो लाइनें कहना चाहूँगा आप शिक्षकों के लिए, जो मेरे लिए गुरु भी हैं। तो गुरु आपको, आपकी ये अमृत वाणी हमेशा मुझको याद रहे, जो अच्छा है बुरा है उसकी हम पहचान करें, मार्ग मिले चाहे जैसा भी उसका हम सम्मान करें, दीप जले या अंगारे हों फाट तुम्हारा याद रहें, अच्छे और बुरे का जब भी हम चुनाव करें, गुरु आपकी यह अमृत वाणी हमेशा मुझको याद रहे। क्या बात, बहुत बहुत नमस्कार, वेरी गुड रजत, एक्सलेंट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नवाज साहब, और रेहाना जी आपकी बात खत्म हो गई थी कि अभी कुछ रह गया, तो प्लीज आप कंटिन्यू करिए रेहाना जी। नहीं सर ऑल राइट, थैंक यू मुझे दोबारा मौका देने के लिए, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा परमजीत जी आप थोड़ा सा चंद लाइनें जरा आप हमें सुनाइए प्लीज। जी सर धन्यवाद। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मनी जी ने आप सबको बहुत बहुत बधाई भेजी है, और मनी जी का कहना है कि यू गाइज आर द बेस्ट टीम, बहुत अच्छा लगा उनको आके, आई एम जस्ट कन्वेइंग, मैं उनका मैसेज आपको कन्वे कर रहा हूँ, ऑलराइट, सो ही इज वेरी हैप्पी। जी सर, जी आप सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर, वेलकम सर। मैं शुरू करता हूँ
कुछ पंक्तियां हैं मैंने लिखी हैं, आज मौका लगा है तो सुना देता हूँ। जो दिन खुद को अगर बोलूं वो खुद को रात कहती है। ओम सर सुनिएगा। जी सर। जो दिन खुद को अगर बोलूं वो खुद को रात कहती है, टपकते हैं जो दो आंसू उन्हें बरसात कहती है। मुझे चलना है मीलों तक उसी के साथ में यूं ही, वो दो कदमों के चलने को उम्र का साथ कहती है। वो दो कदमों के चलने को उम्र का साथ कहती है। सर बहुत अच्छा। हवाओं में महकती है ये खुशबू तेरी सांसों की, हवाओं में महकती है ये खुशबू तेरी सांसों की, किताबों में दर्ज होगी सच्चाई तेरी बातों की। तेरे आगोश में बैठा हूँ मैं पलकें झुकाए यूं, तेरे आगोश में बैठा हूँ मैं पलकें झुकाए यूं, कहानी कह रही आंखें तेरे मेरे हालातों की, कहानी कह रही आंखें तेरे मेरे हालातों की। मुझे रोना नहीं आता मैं मन की बात कहता हूँ, मुझे रोना नहीं आता मैं मन की बात कहता हूँ, कोई समझे या ना समझे दिले जज्बात कहता हूँ। तुम्हें मंजिल दिलाऊंगा मैं बन के रास्ता यूं ही, तुम्हें मंजिल दिलाऊंगा मैं बन के रास्ता यूं ही, कोसों दूर रहकर भी मैं तेरे पास रहता हूँ। वाह क्या बात है। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। दूर रहकर भी मैं तेरे पास रहता हूँ। अंतिम पंक्तियां अंतिम बंद सुनिए, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। दुखी रहता भी हूँ तो राज ये कहना नहीं आता। क्या बात है। दुखी रहता भी हूँ तो राज ये कहना नहीं आता, मैं गहरा हूँ समंदर से मुझे बहना नहीं आता। रखता हूँ तुझे पाने की जद में हौसला लेकिन, मैं रखता हूँ तुझे पाने की जद में हौसला लेकिन, मैं पागल हूँ तेरे घर का मुझे रास्ता नहीं आता। पागल हूँ तेरे घर का मुझे रास्ता नहीं आता। परमजी रेनू हंस रही है जोर से, मुझे पता रेनू क्यों हंस रही है। रेनू सोच रही है अभी वर्मा जी कुछ कहेंगे, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। इट्स अ फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। सर मैंने बोला ना बहुत सुंदर रचना। जी जी मेरे को मुझे भी लगा कि सर पिछली वाली बात दोहराना चाह रहे हैं। आज इन्होंने हमें तीन नाम बता दिए हैं, हमें अब तीनों में से एक नाम है। थैंक यू सो मच गाइस। जी सर आर यू रेडी? जी सर आप अपना म्यूजिक तैयार कीजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मीनवाइल मैं रीना जी, अच्छा वो रीना जी चली गई हैं। नवाज वन से मैम जुड़ी हुई हैं। मरिंदर मैम आप भी कुछ बोलिए अपने सर में म्यूजिक का। वो हमारी रीना सैनी जी कहाँ हैं? आ गई रीना मैम भी आ गई। यस जी नवाज साहब वी आर रेडी। जी सर ओके। आपका फेवरेट सर जी। आई विल म्यूट ऑन द एड यू नो। ऑलराइट। एवरीथिंग कम्स विद द एड यू नो दैट यू नो नथिंग इज फ्री। यप यप यप। सो वी गोना स्किप दैट। Hey, la 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 la. दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे
लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में ओ दिल बचल जाएगा प्यार हो जाएगा दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे दिल से मिलेगा जो दिल तो महकने लगोगे तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे दिल से मिलेगा जो दिल तो महकने लगोगे तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे ए होश खो जाएगा प्यार हो जाएगा दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे बहुत अच्छे बहुत सुंदर सर बहुत सुंदर वेरी गुड सत्ते पे सत्ता मेरी फेवरेट मूवी वेरी गुड और एक्टर भी अमिताभ बच्चन और मान ली सर पूरी मूवी मेरे आंखों के सामने चल रही थी जब आप गा रहे थे और मैं आपसे कहना चाहूंगा दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर राजेंद्र कलकल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र जी नमस्कार इंस्पेक्टर राजेंद्र कलकल बहुत अच्छे कवि हैं अभी जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको पता लग जाएगा ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ दिल्ली पुलिस राजेंद्र जी वैसे भी जैसे जहां जाते हैं वहां ब्लास्ट हो जाता है एकदम धमाका कर देते हैं वो जाते ही उनकी आदत है बहुत अच्छी बहुत अच्छे हास्य व्यंग करते हैं वो एंड वेरी गुड स्पीकर बहुत अच्छे हैं राजेंद्र जी हम सब आपकी आवाज का इंतजार करेंगे प्लीज
अभी शायद सर को जुड़ने में कुछ समस्या आ रही है। राजेंद्र जी का पहला डायलॉग भी यही होगा कि राज रानी आवाज आ रही है। मैं हमेशा पूछूंगी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है बिना सुने। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज आई राज रानी जी मेरी? बिल्कुल सर आ रही है आवाज। बहुत माफी, बहुत माफी चाहूंगा, यहाँ प्रोग्राम लेट हो गया किसी वजह से और मैं भी छूट गया हूँ यहाँ से, तो मैं चलता चलता आपसे ज्वाइन रहूंगा और जैसा भी होगा, मतलब जब तक मेरी बारी आएगी मैं पहुंच जाऊंगा, नहीं तो मैं कहीं साइड में लगा के करता रहूंगा। जी जी जी, मैं यही चाहता हूँ। राजेंद्र जी आप गाड़ी प्लीज ध्यान से चलाएं, एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि बेशक आप ऑडियो पे लगा दें, एंड प्लीज ड्राइव सेफ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और आपके बिना तो हमारा काम, ये प्रोग्राम खत्म भी नहीं हो सकता था जब तक आप नहीं आते। आपकी तो प्रेजेंस हमें बहुत जरूरी है, हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं और हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे सर बढ़िया बढ़िया, नहीं तो मैं कुछ अपना अभी सुना दूं क्या? इसी मैं कहता हूँ सुना दो, मजा आ जाएगा। जी जी प्लीज। मैं साइड में अभी करता हूँ सर, एक मिनट। जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ बिफोर इज गोइंग टू स्टार्टेड। राजेंद्र कलकल जी 35 साल से दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रहे हैं, ही इज अ वेरी डिसेंट, वेरी इमोशनल, बहुत भावुक इंसान है, लिखते बहुत अच्छे हैं, कार्टून्स बहुत अच्छे बनाते हैं। आई थिंक इनके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। फैंटेस्टिक पर्सनैलिटी ऑफ दिल्ली पुलिस, और हमें बड़ा फख्र है कि ये हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं। सर ऑल योर्स, चलिए हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब तारीफ के लिए, जो है इतने जो है हम तो कुछ भी नहीं, आपको देख के कुछ पीछ के रहते हैं हम भी जो है, आप तो ऑलराउंड जो है, आपका जो आजकल हम गाना सुनते हैं जो आप रिकॉर्ड करके करते हो, इतना सूदिंग इफेक्ट आता है उसका, मतलब जो सुन के बिल्कुल, और साथ हो तो आप तो हर चीज में कलाकार, उसके साथ वो वीडियोज भी लगा देते हो तो ऐसा लगता है जैसे मूवी देख रहे हैं। जी चलते रहे, कीप इट अप, उसको इस तरह से आप भेजते रहे, थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है सर। मैंने भाई साहब ये कुछ जो है नए दोहे लिखे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उनको आपसे शुरू करता हूँ। पहले कुछ दो, अब आजकल दोहों के ऊपर हाथ साफ कर रहा हूँ मैं तो वही मेरी कुंडली के अंदर लिखा है कि कुछ ना कुछ नई नई चीजें मतलब करता रहेगा, एक ठिकाने में रुकेगा नहीं, कब कुछ जो दिमाग में आता है। तो आजकल मैं दोहे एक बार लिख रहा हूँ तो मुलायजा फरमाएगा। समझाने के बाद भी छोड़ गया वो साथ, समझाने के बाद भी छोड़ गया वो साथ, सबको लग है सही अपनी अपनी बात, सबको लग है सही अपनी अपनी बात, वेरी ट्रू, शुक्रिया। गहराई का हो कहां सूरत से अंदाज, गहराई का हो कहां सूरत से अंदाज, हर इंसान में है छिपे जाने कितने राज, बिल्कुल हर इंसान में है छिपे जाने कितने राज, दौलत रहा बटोरता अपनों से मुंह मोड़, दौलत रहा बटोरता अपनों से मुंह मोड़, चल देगा वो एक दिन यही खिलौने छोड़, वाह,
सर ये मैं राजेंद्र जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने आज सोशल मीडिया पे आपके दो दोहे पढ़े हैं, आपने लिखा है कि गहराई का हो कहाँ सूरत से अंदाज, हर इंसान में छिपे हैं जाने कितने राज। बहुत अच्छा लिखा है आपने, आजकल चेहरे पहचानने बड़े मुश्किल हैं, रोशनी कितनी भी तेज क्यों ना हो चेहरे पहचाने नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक आपने लिखना है कि लिखा है कि समझाने के बाद भी छोड़ गया वो साथ, सबको अच्छी लगती है अपनी अपनी बात। हाँ सबको लगती है सही अपनी अपनी बात, अपनी अपनी बात। तो सर आजकल ये जो दोहे हैं ना ये बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट, समय बिल्कुल बदल गया, लोग बदल गए हैं, लोगों की सोच बदल गई है, और आप ऐसा कुछ ना कुछ लिखते रहिए जिससे समाज का मोटिवेशन हो। मैं चाहूंगा हमारे सज्जन कुछ आपसे हास्य व्यंग सुनना चाहते हैं। अच्छा अच्छा तो मैं वो इनको इनको हरियाणा का, इनको हरियाणा का कुछ चुटकुला सुना दो, खुश हो जाएंगे सभी। अच्छा अच्छा हरियाणा के एक वो चुड़ैल वाला जिन्होंने सुन लिया हुआ जो आपने सुनाया था, एक हरियाणा का हेड कांस्टेबल था रामलाल, रात को ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था, अजीब घर के द्वारा पहुंचा तो वहां पे एक औरत आ गई, फटाफट चीखे मारने लगी, मैं चुड़ैल हूं मैं चुड़ैल हूं मैं चुड़ैल हूं, बोला चुड़ैल है तो क्या करेगी चिपक जा। दैट वाज वेरी फनी, बहुत अच्छा था। तो आज एक कोई जोक सुनाइए हरियाणा का। जोक सुनाता हूं वैसे हरियाणा का, उसके अंदर एक हरियाणा वाले का जो है वो शायद आपको सुनाया था वो जो अमेरिका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो स्कूटर का जो तेल, जी हाँ वो सुनाया था। जर्मन पहुंच गया था, वो सुनाया था, वो जो जर्मन बोलनी नहीं आती थी उसको। जर्मन नहीं, मेरे किसने नहीं सुना। अच्छा नहीं सुनाया, बताए। हरियाणा वाले के रिलेटिव रहते थे बाहर जर्मन में, तो अपने दोस्त से बात कर रहा था, कहता भाई मेरे को ना जर्मनी में मेरे दोस्त रहते हैं, मेरे जानने वाले पिता फैमिली रहती है, वो कह रहे हैं कि तू आ जा, लेकिन मैं जा नहीं रहा। उसका दोस्त कहता भाई क्यों नहीं जा रहा, चला जा वहां पर क्या दिक्कत है। कह रहा मैं चला तो जाऊं पर मेरे को जर्मन बोलनी नहीं आती। दिल्ली का दोस्त था उसने उसको बहका दिया थोड़ा, कहता जर्मन तो बहुत आसान है, जो हम बोलते यही तो जर्मन है, बस थोड़ा खींच के बोल दो, हो गई जर्मन। अगर किसी के नाम पूछना हो तो उससे पूछ लो तुम्हारा क्या नाम है, यही जर्मन है। वो कहता हरियाणा वाला सोचा ही अच्छा, वो बोले आदमी होते हरियाणा के, कहता अच्छा यही जर्मन है, फिर ठीक है मैं चला जाता हूँ। उसने वहां फोन कर दिया, वी पासपोर्ट वीजा वगैरह सब बन बुन के आ गया। वो जर्मन फ्रैंकफर्ट वो एयरपोर्ट पे पहुंच के वहां एक रेस्टोरेंट में सामने चला गया। अब वो सोचता है कि हरियाणा वाला क्या अपनी जर्मन चेक करता हूँ। तो जो बैरा घूम रहा था उसको इशारे से बुला लिया, बैरा आ गया। बैरे को कहता है भाई मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लाओ। उसने कोल्ड ड्रिंक ला के रख दी, बड़ा खुश हो गया कि तो जर्मन चल गया। उसने अपने दिल्ली वाले दोस्त को फोन किया, कह रहा भाई तो तूने जो सिखाई थी जर्मन वो तो सही चल गई। वो कह रहा है खींच के ले लगा रहा है, बिल्कुल यही जर्मन है, बिल्कुल चिंता मत कर। वो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कहता है कि भाई मेरे लिए एक पिज्जा लाओ। उसको वो पिज्जा ला के रख दिया, तो वो भी खा लिया। जब ये हरियाणा वाला खा के मुंह साफ कर रहा था तो बैरे ने उसको वेटर से पूछने लगा, वेटर पूछने लग गया इससे, कहता है ओ रे क्या नाम। अब इस हरियाणा वाले की टेंशन हो गई, ये क्या चक्कर है। ये वेटर से पूछता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। वेटर कहता है मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। अब इसकी टेंशन सुनो, अभी हरियाणा वाला कहता है अरे जब हम दोनों ही हरियाणा के हैं तो जर्मन में बातें क्यों कर रहे हैं। वेरी फनी। हरियाणा जो है ना, हरियाणा के लोग बड़े बड़े प्यारे बड़े स्वीट है। हमारे न्यूयॉर्क में भी हरियाणा के बहुत लोग भरे हुए हैं और उनकी भाषा यकीनन बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। ये पंजाबी से मिक्स है बिटू जी? हाँ, ये रांगड़ी बोली, इसको रांगड़ी बोली भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हरियाणवी को रांगड़ी बोली भी कहते हैं। जी हाँ, इन दैट केस हमारे पाकिस्तान में भी एक कुछ एरिया है रांगड़ी बोली आती है। जी, पार्टीशन से पहले ये कॉमन लैंग्वेज थी, तो पाकिस्तान में हरियाणवी भाषा को रांगड़ी बोलते हैं।
यस यस एग्जैक्टली बोलते हैं हम बस वो जो है ना हाँ जी भावलपुर भावल नगर में बोली जाती है वहां ना हाँ हाँ यस डेजर्टेड एरिया जो है बिल्कुल 1966 से पहले तो पंजाब और हरियाणा एक ही था 1966 में अलग हो गया फिर ये लेकिन मुझे लगातार बोलनी पड़ेगी तो मैं वो सुना देता हूँ। एक वो सांड वाली कविता आपने यूट्यूब पे सुनी होगी वो सुना देता हूँ प्लीज अच्छा लगेगा प्लीज। हरियाणवी स्टाइल में ही है। तो जब कोई नया नया थानेदार भर्ती होके जाता है थाने के अंदर तो उसे इमरजेंसी ड्यूटी से बड़ा डर लगता है। इमरजेंसी ड्यूटी वो होती है जब पब्लिक वाले फोन नंबर पे अंडर डायल करके पुलिस को बुलाते हैं तो उसे इमरजेंसी ड्यूटी वाला जो नया नया सब इंस्पेक्टर होता है थानेदार होता है उसे बड़ा डर लगता है कि पता नहीं कैसी कैसी समस्याएं आएंगी कैसे उनका समाधान करना पड़ेगा। तो उसी के ऊपर ये कविता है ये जो है ये मैं आपको सुनाता हूँ। शुरू शुरू में थाना में जाता है सुपना में मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लागी और ड्यूटी लागते कॉल आ गई। ड्यूटी अफसर बोले जनाब सीलमपुर चौक पे सांड मरे पड़े है ट्रैफिक जाम इतना है कि बम्पर ते बम्पर अड़े खड़े है। मैं वायरलेस सेट लेके चौक पे पहुंच गयो मैंने देखता ही शोर मच गयो। एक बोलो पुलिस यो आ गयो यो हटावे को मैं समझ गयो यो सांड नौकरी खराब कराओगी। मैं सांड के पास जाकर अपनी किस्मत में कोस रहे हो मेरो काल जो इतना दुखी हो गयो मैं मुश्किल ते आसमान रोक रहे हो मैं सोचो रे सांड तने मेरा ते यार कौन सा जन्म की दुश्मनी निभाई इतनी बड़ी दुनिया ने छोड़कर मरण खाता तने यह सड़क पाई। जू जू ट्रैफिक जाम बढ़ रहे हो मैं मनी मन हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो मैं सोचो एक बार हनुमान आ जावे इसने पर्वत की तरह ठाले जावे इसी उम्मीद के साथ मैं मुस्कुरायो और सांड के पास ही मैंने बजरंग आसन लगायो। यार देख के पब्लिक को एक आदमी चिल्लायो बोलो मारो तो पहला ही सबर को बांध टूट रहे है तने फिजूल में मजाक सूझ रहे है। मैं बोलो मैं भी थारी तरह इंसान हूं हनुमान कोनी और इस सांड ने हटावन का इतनो दिमाग लगा रहे हूं जिसको तन अनुमान कोनी। एक बोले इसमें दिमाग की कौन सी बात है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में फोन कर दो उनकी गाड़ी आ जाएगी इसने ले जाएगी। दूसरों बोले यहाँ तो पहला इतनो ट्रैफिक जाम है वह गाड़ी और फंस जाएगी। एक बोले आर्मी को हेलीकॉप्टर आ जाओगे इसने ऊपर के ऊपर ठाले जाओगे। दूसरों बोले यो सांड तो इतना भारी है इस चक्कर में तो अपना ऊपर गिर जावा को। एक ना आइडियो दियो बोलो इस सांड की यही चिता बनाकर अंतिम संस्कार कर दो जब यो जलकर राख हो जावा को रूट अपने आप साफ हो जावा को। मैं सोचो इन सब बातों में तो बहुत टाइम लाग जावा को इसने खींच के एक तरफ कर दियो हूं एक बार तो ट्रैफिक चल जावा को। जब मैं सांड की पूंछ पकड़ के खींचन लाग्यो तो मेरो आइडियो सब अच्छो लाग्यो पर इतनी देर में पूंछ टूट के हाथ में आ गई जमीन पे जाके मेरो पाछो लाग्यो डर के मारे मेरी आंख खुल गई। उस दिन पाछे इमरजेंसी ड्यूटी ते मेरो ईसो दिल घबरावे कि ड्यूटी अफसर भी मने सांड नजर आवे। एक्चुअली पुलिस कंट्रोल रूम में ऐसी काले आती हैं कई दफा जो ऑफिसर्स होते हैं ना बहुत ज्यादा उनमें फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कई दफा ऐसे ऐसे हालात आ जाते हैं। और दिल्ली में तो ट्रैफिक भी बहुत है अगर कोई पाड़गंज थाने में पोस्टेड है या चांदनी चौक में पोस्टेड है और पीसीआर पे काले भी ऐसी आती है और इट्स हार्ड। एक्चुअली आज हम टीचर्स डे की बात करते हैं लेकिन एक जनरल बात करते हैं पुलिस के लिए भी ये काम आसान नहीं है इट्स वेरी हार्ड। हम लोग कह देते हैं वो पुलिस है उनको ये पता नहीं है कि वो कितनी जिम्मेवारी से कितनी मेहनत से अपने काम को करना चाहते हैं। कौन पुलिस वाला है जो नहीं चाहेगा कि हमारी इज्जत हो हमें मान सम्मान मिले हम देश के लिए कुछ अच्छा करें सभी चाहते हैं। और जी एक बात और है भाई साहब की मतलब पुलिस के ऊपर का जो कॉल आती है कंट्रोल रूम में सारी पुलिस से संबंधित नहीं आती
कुछ भी बात हो गई, वो ऐसी ऐसी कॉल भी आते हैं, ये घर के अंदर सांप निकल आया या दरवाजे के बाहर वो जो है मधुमक्खी का छत्ता है, तो भी वो पुलिस को ही करते हैं। उन्हें पता है कि पुलिस को कर दो, ये अपने आप किसी न किसी को जो रिलेटेड डिपार्टमेंट को अपने आप करते रहे, हम तो पुलिस को कर देते हैं, वो तो एक मिनट में 100 नंबर पे फोन कर देंगे, वो अपने आप ही अपने आप करते रोज। और आजकल तो बंदे भी जब बीबियों से मार खाते हैं फटाफट 100 नंबर पे कॉल कर देते हैं, मेरी बीबी मुझे मार रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे कई हादसे, ऐसे पुलिस की कंप्लेन भी आए हैं जिसमें बंदों ने पिटाई के दौरान फटाफट पुलिस को फोन किया है और उनसे यही कहा है कि मुझे मेरी बीबी से बचाओ। वो जो ज्यादा समझदार है भाई साहब, वो फोन नहीं करता, उसे पता है कि फोन कर दूंगा तो बाद में और पीटेगी पुलिस जाने के बाद। जी हाँ, एक्चुअली वो फोन नहीं करता जिसको 498 का पता होता है, जिसको 498 का पता होता है ना, वो चुप कर जाता है कि भाई ऐसा ना हो कि 498 का मामला बन जाए। बट यू नो इट्स जस्ट फॉर फन, और ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एनीबडी एल्स वांट टू से एनीथिंग? इट्स ऑलमोस्ट 3 आवर्स हम इसको। माला जी आप कुछ कहना चाहेंगी? हम थोड़ा सा एक शिक्षक के ऊपर कुछ लाइनें बोलना चाहेंगे जो मैं चाह रही थी। वास्तव में एक शिक्षक की बहुत जिम्मेदारी बनती है हमारे बच्चों के अंदर संस्कार उत्पन्न करने के लिए, जैसे पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। यदि बच्चे में बचपन से ही संस्कार उत्पन्न नहीं होते हैं तो आगे जाकर वो चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट प्राप्त कर ले, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता। और अपने जीवन को सुकून के साथ जीने के लिए और इस सोसाइटी के अच्छे विकास के लिए एक अच्छे इंसान का होना बहुत जरूरी है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। कुछ लाइनें प्रस्तुत करना चाहूंगी कि हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम ही विश्वामित्र बने और हम ही गुरु वशिष्ठ बने। हम ही विश्वामित्र बने और हम ही गुरु वशिष्ठ बने। हम ही गार्गी अनुसुईया और हम ही सावित्री फूले बने। हाँ हम भी किसी से कम तो नहीं, हाँ हम भी किसी से कम तो नहीं, तकदीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। है भाग्य वतन का सबने अपने हाथों में, जैसा कि राष्ट्र निर्माता शिक्षक को कहा जाता है, तो सौंप दिया है भाग्य वतन का सबने अपने हाथों में। श्रद्धा और विश्वास दिया है सबने अपने हाथों में। उस विश्वास की लाज बचा संसार बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। जी हाँ, हमें इसी बात का संकल्प लेना है। यदि हमें शिक्षक का पद मिला है तो हमें नन्हे मुन्ने बच्चों का, जो हमें बेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है, तो हम जरूर इस बात का संकल्प लेंगे आज कि बच्चों के अंदर किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें संस्कार बचपन से स्थायी करना है, जो मरते दम तक वो अच्छा इंसान बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माला जी, थैंक यू सो मच। मंजिंदर जी सर, मेरी पोयम रह गई। रीना मैम, मैं आपको इनवाइट कर सकती? रीना मैम ऑल राइट, ओके, लेट्स रीना मैम कुछ बोलना चाहती है? मैं बस मंजिंदर जी, ओके शी लेट नो सर 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 रीना मैम, आई गॉट यू, गिव मी वन सेकंड, आई गॉट यू। ऑल राइट, मुझसे पहले रेनू मैम की रह गई है, रेनू मैम पहले कर ले। जो भी आप दोनों पहले आ जाइए, रीना और रेनू आप दोनों एक जैसे, आप जो बोलना चाहे पहले आपका स्वागत है। रेनू मैम सुना रही है। ओके मैम, ओके। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ जो मैंने आज ही लिखी थी। जीवन के इस सफर का सहारा है गुरुजन, जीवन के इस सफर का सहारा है गुरुजन,
डूबती कश्ती का किनारा है गुरुजन। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। आपके कदमों में सब वारा है गुरुजन, आपने जीवन को सवारा है गुरुजन। जीवन के इस सफर में, सहारा है गुरुजन। डूबती कश्ती का किनारा है गुरुजन, डूबती कश्ती का किनारा है गुरुजन। पंछियों को पल में ही बाज बनाते, ये पंछियों को पल में ही बाज बनाते। टूटी इमारतों को भी ताज बनाते, टूटी ताज बनाते। ढाल बन के मुश्किलों से, ढाल बन के मुश्किलों से बचाते हैं गुरुजन। डूबती कश्ती का किनारा है गुरुजन, ढाल बन के मुश्किलों से बचाते हैं गुरुजन। डूबती कश्ती का किनारा है गुरुजन। अर्श से अर्श तक ले जाते हैं गुरुजन। डूबती कश्ती नारा है गुरुजन, जीवन के इस सफर का सहारा है गुरुजन। डूबती कश्ती का किनारा है गुरुजन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राजेंद्र जी, अगर आप एक बार क्या दें, रेणु सिंह आवाज आ रही है तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। रेणु जी से पूछूं? जी, रेणु सिंह से। जी हाँ। लेकिन वो मैच नहीं करेगा तो राज रानी जी से मैच करता है। हाँ, राज, असल में वो रानी जो है ना, वो राज रानी बंदा है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, राज रानी से मैच करता है, रेणु सिंह से भी मैच कर जाएगा। आप बोलिए सर, मैच कर लेंगे। रेणु जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, बहुत अच्छी से आ रही है। राजेंद्र जी, जब भी आपकी पोस्टिंग बद्रपुर के इलाके में हो ना, वो जो फरीदाबाद को रोड जाता है, और ये स्कूटी भी आपको मिल जाए, इसके चार चलान काटने हैं आपने। अच्छा। सर, शिक्षक दिवस पे कटवाने हैं आपने चलान भी? छोड़ दे से। चलान काट वाले, उसकी पेमेंट तो मुझे ही करनी पड़ेगी। यही तो मैं आपसे अभी आगे यही कहने लगा था, चलान काट के आप अपने कार्ड से पेमेंट कर देना। रीना जी के बारे में आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी हमने टेम्परेरी फेसबुक पे लाइव को स्टॉप कर दिया है, हमारा खुद का रिकॉर्डिंग चल रहा है। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू, रीना सैनी सबसे पुरानी हमारी सत्यमेव जयते यूएसए ब्लॉक की हैं, और मैं आज टीचर्स डे पे आपको ये कहने जा रहा हूँ कि मेरी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स की सत्यमेव जयते यूएसए की रजिस्ट्रेशन की, और मुझे उन्होंने बताया कि 4-5 दिन में पेपर आ जाएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि रीना सैनी हमारी पहली प्रेसिडेंट बनेगी सत्यमेव जयते यूएसए की इंडिया में। मेरे जैसे बंदे के साथ काम करना आसान भी नहीं है, बहुत टफ है, और ये पिछले 4.5 साल से 3.5 साल से जुड़ी हुई हैं, तो मैंने ये सोचा कि ये डिजर्व करती हैं कि हम लोग जैसे हमारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी तो इनको हम लोग ऑफिशियली तरीके से हमारी पार्टी जो सत्यमेव जयते का जो एनजीओ है, इनको 2 साल के लिए, पूरे 2 साल के लिए रहेगा। 2 साल में कोई प्रेसिडेंट चेंज नहीं करेंगे, पहले 2 साल के लिए रीना सैनी रहेंगी। आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाए, यही मेरे लिए चुनौती रहेगी, और मैं अपनी जिम्मेदारी दिल से निभाऊंगी। तो फिर आप एक कविता सुना दीजिए जबरदस्त इस वक्त। जी सर, जैसे कि हम सभी के मन में एक शिक्षक की छवि बनी होती है, तो कैसा शिक्षक होना चाहिए, उसी पे मेरी कुछ पंक्तियां हैं। आओ हम शिक्षक बन जाएं जो सब बच्चों को ही भाएं, ऐसे शिक्षक हम बन जाएं जो बच्चों का मन पढ़ पाएं,
बच्चे शिक्षक हम बन जाएं, बच्चों का बचपन हम जी पाएं, माता पिता हम बन जाएं, सारे सुख दुख हमें बताएं, कर्मठ शिक्षक हम बन जाएं, बच्चों को परिश्रम हम सिखाएं, भयमुक्त वातावरण हम बनाएं, विद्यालय से कभी दूर न जाएं, सच्चे शिक्षक हम बन जाएं, सभी नैतिकता हम सिखाएं, दोस्त भी हम उनके बन जाएं, देखते ही हम मुस्कुराएं, कुम्हार शिक्षक हम बन जाएं, बच्चों को सही आकार दे पाएं, उनकी रुचि हम जान जाएं, उसी अनुसार हम आगे बढ़ाएं, प्रकाश पुंज शिक्षक हम बन जाएं, ज्ञान की रोशनी हम मिल बरसाएं, जीवन पथ पर अग्रसर कराएं, सभी अपना अपना कर्तव्य निभाएं। बहुत अच्छे आप रेडी हैं? आपके पास कुछ आइटम है हमारे लिए अभी? एक मैं सर एक आइटम लास्ट आइटम कौन सा गाना सुनाएंगे आपकी फरमाइश जो आप कहें। मैं चाहता हूं कोई बात नहीं, सुर आगे पीछे हो जाएंगे चलेगा, अगर आप इनको सुना दें, लाई भी ना गई तो निभाई भी ना गई, अगर आपके पास क्रोकी पड़ी हुई है तो प्लीज। चले सर देखें, अगर खराब हो गया तो आपकी जिम्मेदारी। इट्स फाइन इट्स नॉट ए लाइव एनीमोर, लेकिन अच्छा लगेगा, मुझे पता है आप बहुत अच्छा बोलते हैं, प्लीज। ठीक है सर, इसके बाद हम लोग परम जी पे आएंगे, परम जी जो है फिर हमें बताएंगे, और आप जरा इनको लाइने सुनाए जरा। ठीक है सर, मुझे जरा पुल अप कर लेने इसकी इसका ट्रैक, उसका क्रोकी का इंतजाम करें, और तब तक मैं ओम सर सुनाओ प्लीज। अरुणा जी प्लीज, यस गो अहेड जी, प्रोसीड। यस सुनिएगा, ऐसा अगर कभी हो क्या लुत्फ से जिंदगी हो, ऐसा अगर कभी हो क्या लुत्फ से जिंदगी हो, आगोश भी हो दरिया होटो पे प्यास भी हो, आगोश दरिया होठों पे प्यास ली हो, तेरी गली में पाँव रह रह कर छिटकते हैं, जैसे नजर किसी खिड़की से झांकती हो, है फर्क फक्त इतना दोनों की मोहब्बत में, है फर्क फक्त इतना दोनों की मोहब्बत में, मैं तुमको जानती हूँ तुम मुझसे अजनबी हो, दुनिया की हर एक शय को अपनी नजर से देखो, दुनिया की हर एक शय को अपनी नजर से देखो, ऐसा नहीं है दुनिया जो कहे वही सही हो, वाह 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 वाह, ये बात तय करो तुम, ये बात तय करो खुद तुम किसका साथ दोगे, ये बात तय करो खुद तुम किसका साथ दोगे, तूफान और दिए में बाजी अगर लगी हो, तूफान और दिए में बाजी अगर लगी हो, तुम चाहते हो सूरज, तुम चाहते हो सूरज, हम चाहते हैं इतना, जिस घर में अंधेरा हो उस घर में रोशनी, जिस घर में अंधेरा हो उस घर में रोशनी, रह जाएंगे जहां में, रह जाएंगे जहां में असार वही जिनमें, थोड़ी सी फिक्र भी हो थोड़ी सी शायरी, थोड़ी सी फिक्र भी हो। बहुत अच्छे, नवाज साहब वी आर रेडी फॉर यू। यस सर, Yes. Coming up. परम जी जरा ध्यान से सुनना, ये कुछ खास बातें होंगी इस गाने में। सर ये गाना परम सर के लिए है? नहीं एक्चुअली ये परम सर के लिए भी है, थोड़ा सा मेरे लिए भी है, थोड़ा सा कलीम के लिए भी है, थोड़ा सा राजेंद्र जी के लिए भी है, और रजत के लिए भी है। ये रजत इज गोइंग टू एंजॉय दिस म्यूजिक टू। ये एक्चुअली हम सभी के लिए है, वैसे ये तुम्हारे सबके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। अगर चल जाए तो? नहीं चल रहा? अगर नहीं मैं थोड़ा उसमें ग्लिच आ रहा है, मतलब ऐड की वजह से। तब तक आप परम सर को बुला सकते हैं जब तक सेट कर रहे हैं। परम जी तो मैं तो सोचता हूँ ये न्यूयॉर्क के किनारे में बीच में परम जी मैं और नवाज बैठे हूँ, और ये दोनों नवाज भी बियर नहीं पीता, परम जी भी नहीं पीते, हम लोग चाय का कप पी रहे हैं और पीछे गाना चल रहा हो वही वाला जो अभी नवाज साहब गाने जा रहे हैं। ये बड़ा हाई पिच का गाना है। Thank you.